अरुण वर्मा जी यहीं रहते हैं? क्या काम है? मरीज दिखाने आया हूँ। आप उस तरफ जाएंगे तो वो आपको तीसरे घर में मिलेंगे। 3 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ आया था तो वो मुझे इसी घर में मिले थे। ये 4th हफ्ता है ना, इसलिए वो आपको 4th घर में मिलेंगे। देखो, अगर काम में ध्यान की कमी हो तो वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी कामयाबी के बारे में जानना चाहते हैं? 80 साल का हूँ और 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आपके हाथों में जादू है। वाह बाबा, इस उम्र में भी आप सुबह ठीक 7 बजे से लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। हर रोज मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर 1 घंटा सैर को जाता हूँ और 1 घंटा योगा, और फिर नहाने से पहले अपने कपड़े में खुद ही धोता हूँ। आप हर रोज प्रार्थना करके क्या मांगते हैं? यही कि मुझे किसी के ऊपर निर्भर होना ना पड़े। जैसे ही मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़े, मैं उसी वक्त दुनिया से चला जाऊं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मैं सारी जिम्मेदारी निभाता हूँ। और अब बस मेरे एक पोता और पोती की शादी बची है। एक बार उन दोनों की शादी में अपनी आँखों से देख लूँ, फिर टिकट अपने कट जाएगा। रो मत बेटा। हे संतोष, तेरा हाथ कैसा है बे? हाँ, मेरा हाथ अच्छा है। ये मेरा पोता है, ये दोस्तों के साथ खेल रहा था तो इसका पैर टूटी हुई बोतल के ऊपर पड़ गया। शराबी तो कहीं भी बोतल फेंक देते हैं। एक बार तो मेरा पैर भी कट गया था। कोई बात नहीं, अभी दवाई लगा देता। इससे पहले मैं जिस घर में गया था वहाँ बताया कि ये 4th हफ्ता है, मैं 4th घर में मिलूंगा। ठीक बोले। ये सुनकर तो तुम दोनों को ताज्जुब हुआ होगा कि चक्कर क्या है। लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला? सबको ऐसा लगता है। 3 बेटे और बेटी की जिम्मेदारी डालने के बाद मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। मैं हर हफ्ते जो कमाता हूँ ना, वो इनमें बांट देता हूँ और सभी परिवार के साथ 1-1 हफ्ता रहता हूँ। हाँ, अच्छा, फिर? ये मेरा बड़ा बेटा है। कोई आदमी अमीर की गरीबी और गरीब की अमीरी को नहीं जानता। हाँ, संतों वाली बात हो गई। गुस्सा उसकी नाक पे चढ़ा रहता है और वो चाहता है घर में सबसे ज्यादा उसकी इज्जत हो। बूढ़ा शेर क्या कहता है? बूढ़ा शेर कहता है, और बाकी के बच्चे भी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। बूढ़े शेर, खाना तैयार हो गया है। बेटे से ज्यादा पोता करीब है। सांप जो जहर उगलता है वो जहर पांडे पीता है। मुझे हल्के में मत ले। मेरा बड़ा पोता पांडे न तो जोर से बोलता है न किसी पे हाथ उठाता है। ये है पेपर और ये है पेन। एक पिटीशन से कहानी खत्म। वो थोड़ा संती है। राशन की दुकान में 10 मिनट की देरी क्या हुई, उसने पिटीशन फाइल कर दिया। बस के 10 मिनट लेट आने से उसने फिर पिटीशन फाइल कर दिया। हद तो तब हुई जब पुलिस के खिलाफ भी पिटीशन फाइल कर दी उसने। इंक्वायरी में देर जो हो गई थी। लॉकडाउन तो कब का खत्म हो गया? काम वाम करते हो कि नहीं? प्रॉब्लम क्या है? दाढ़ी क्यों नहीं बनाई? ये कैसा सनकी आदमी है? तो क्या शादी हुई उसकी? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक बेटी है। हाँ जी भाई, तुमने उसे देखा क्या? जिस तरह हम अपने खोए हुए जानवरों को ढूंढते हैं। भाभी जी, उन्हें देखा? मेरी बेटी भी इसी तरह अपने पति को ढूंढती है। चल, चलो तू कहीं भी लेट कर हमारी बेइज्जती क्यों करवाता है? शर्म नहीं आती? काका, मुझे ये बताइए, आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाते? अच्छा लड़का तो है गाँव में। पांडे से जो टकराएगा उसका तलाक करवाएगा। और आखिरकार उसकी भी शादी कर दी गई। बाकी की गांठ बांध दो। ए लड़की, तेरा मर्द किधर है? मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर से कैसी बात करनी चाहिए, तुझे पता नहीं है क्या? हाँ, यहाँ नए हो क्या? हाँ, क्यों? धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। जब वो घर पे आए पुलिस स्टेशन भेज देना उसको। अगर वो पुलिस स्टेशन आए तो उसे घर भेज देना। ये मेरे तीसरे बेटे का घर है, बिजली बोर्ड में इंजीनियर है, ढलान वाली रोड पर बाइक बंद कर देता है, इतना बड़ा कंजूस है। अच्छी कमाई है उसकी, उधारी पर पैसे भी देता है। उसे नोट गिनने में और उसकी खुशबू लेने में बड़ा मजा आता है और हमेशा मावा खाता ही रहता है। सबको बताते रहिए हमारे परिवार की निजी बातें। अरे थोड़ा सा और तो लो। हाँ बहन जी, खाना आराम से खाना चाहिए। हाँ, सही कहा। उसका बेटा कहाँ है? उसका बेटा दुबई में है, अपनी बीवी को यहाँ छोड़ रखा है और वो वहाँ कमाई कर रहा है, कहता है फैमिली मैन। कैसी हो मेरी जान? तुम्हारे पापा गाड़ी रखे हैं सिर्फ नाम के लिए। ऐसी हालत में मुझे बस से हॉस्पिटल जाना पड़ा। तुम्हारे पापा पैसा सूंघ सूंघ के रखते हैं, एक एसी तक नहीं लगवा रहे हैं घर में। तुम्हें पता भी है यहाँ कितनी गर्मी है? सबके बारे में बताया आपने, लेकिन दूसरे बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। उसका नाम रामेश्वर था। सबसे नेक था और सबसे मजबूत था। हर चीज में वो फर्स्ट आता था, एकदम फर्स्ट।
उसकी अचानक मौत हो गई और सारा परिवार तकलीफ में आ गया। अरे रे रे रे, तुम हमेशा बहस क्यों करते रहते हो? ये मेरी बहू मधु है, शहद कभी खराब नहीं होता और न ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। ऐसी ही है मेरी मंझली बहू, दिल की बहुत साफ है। उसका एक बेटा है। बिल्कुल साफ दिल का, रहम और प्यार तो कूट कूट कर भरा है। हाँ तो तुम लोग के पैसे मैंने दे दिए, तुम गुल्लक तोड़ के दे देना। ठीक है, क्या बात है भाई, आज का मैच जीत गए। भाई हम वो टीम नहीं जो एक ही गेम खेल के फ्लॉप हो जाएंगे, पूरा टूर्नामेंट जीतेंगे। कब तो अपना ही है। वही तो। कबड़ी 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 का बादशाह। इस घर में भी एक ही बेटा है, उसकी एक बहन भी है, तुलसी। अगर किसी आंगन में हर तरह के पौधे हों लेकिन तुलसी का पौधा ना हो तो उसे आंगन नहीं कहते, जबकि केवल एक तुलसी का पौधा ही किसी खाली जगह को आंगन में बदल सकता है। ठीक उसी तरह इस घर को भी आंगन कहा जा सकता है, क्योंकि मैं जो यहाँ रहती हूँ और मेरा नाम है तुलसी। समझ गई? समझ गई दीदी। भाई बहन की बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। मेरी खुशी के लिए हर बात मानोगी? मैं क्यों नहीं मानूंगी? क्या मैं एड़ी हूँ तुम्हारी हर बात मानने के लिए? अगर कोई बात ढंग की लगेगी तभी मानूंगी। चलो एक मुझे दे दो। मेरी बहू ने तुलसी की शादी के लिए दो लड़के देख रखे हैं। चाय पी के हो या सी के हो, दोनों में से किसी के साथ भी तुलसी की शादी हो जाए बस। तुमने वो गाना सुना है चंदा है तू? हाँ बहुत बार सुना है, एकदम वैसा ही है। मेरी बहन मेरी जान है, वही मेरी दुनिया है, उसी की खुशी में मेरी खुशी है। अगर ये रोए ओह तो मेरे भी आंसू निकल ही जाते हैं। आँख खुलते ही उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ और नींद में जाते ही हंसी की किलकारी सुनना चाहता हूँ। सुनिए अजी, सुनिए क्या हुआ? नए मिल का मालिक हमारे लेबरों को ज्यादा सैलरी के लालच में अपनी तरफ खींच रहा है, पूजा के बाद सब छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अपने भतीजे से आपने बात की? सबसे पहले अजय को फोन करो। अजय। हाँ बोलिए चाचा जी। आकर मिल मुझसे। कौन है वो अंकल, नए मिल वाला? चाचा एक बात कहूँ, मिल मालिक को हर एक चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए जिससे किसी काम में कोई परेशानी ना हो, और आपके अंदर सब गुण है पर इतना काफी नहीं है चाचा जी। तो कहना क्या चाहता है? चलिए मैं समझाता हूँ। ये ले पैसे, जा। आए लोग, बस बस एक मिनट के लिए रुको, ये सिर्फ एक बार की पार्टी नहीं है, अब हम इसे हर महीने धूमधाम से करेंगे। अब तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे हमारे चाचा जी, जितनी चाहे उतनी मस्ती करो। हाँ मनोज भाई सब ठीक है ना? हाँ भाई सब ठीक है। हम पढ़े तो बोलना। हाँ भाई इसके पहले तो कभी पार्टी नहीं दी, जैसे ही पता चला कि हम लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं अक्कल ठिकाने आ गई। जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्या करें अभी, पापा से पूछ कुछ चाहिए। बालाजी सब ठीक है ना? मजा आ गया। इसके माँ बाप 15 सालों से बात नहीं करते, उन्हें तो समझाते नहीं है और यहाँ आया है हमें समझाने। अरे सब्जी आ गए। सुनो आप सब लोग खूब मस्ती करो, पर रात को दारू पी के गाड़ी में चलाना, हम सब यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। अजय सब के लिए इंतजाम करो। ठीक है चल रहे। हे भगवान ये क्या हो गया? बाप रे, अरे अरे सत्यानाश है तुम लोगों का, नालायक पेड़ों मेरे गहने चुराए तुम लोगों ने। ये क्या हो गया, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ, 1 किलो सोना सारा कैश इन बेवड़ों ने चुरा लिया। क्या चोरी हो गई? हाँ देखिए ना, किसी के यहाँ पार्टी करने के बाद तुम लोग यही करते हो? ए अजय कोई भी यहाँ से जाने न पाए, दरवाजा बंद करो और पुलिस को बुलाओ। साहब जी ये क्या है? ए चुप रहे। रुकना चाचा,
इतना चिल्लाइए मत। हो सकता है गिरी हुई हरकत इनमें से ही किसी ने की हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना चाचा कि आप सभी को पुलिस के हत्थे चढ़ा देंगे। आपने जो पैसा कमाया है वो सब कहाँ से आया? सब इनकी वजह से आया है। सिर्फ चोर के सिवा कोई और इसमें फंसना नहीं चाहिए। वैसे आपको लगता है चाचा जी जिसने चोरी की है वो काम करने के लिए रुका रहेगा? एक हफ्ते या एक साल वो खुद छोड़ देगा, और जो नौकरी छोड़ कर गया समझो चोरी उसी ने की, उसके बाद हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जाओ खाना खाओ, तुम लोग टेंशन मत लो। अजय बेटा तुमने सबको जाने क्यों दिया? आपकी तिजोरी में था क्या? 20 लाख कैश, 1 किलो सोना और 3 हीरों के हार। 12,500 कैश और 500 के 2 सड़ेले नोट और 100 ग्राम सोना। क्यों, सच कह रहा हूँ ना? तुम्हें कैसे पता? तिजोरी वैसे हम लोगों ने चुराई थी। सारा कैश और सोना आपके पूजा रूम के अंदर रखवा दिया है, चेक कर लीजिए। चाचा क्या आपको लगता है कि आप कोई नौकरी छोड़कर जाएगा? चाचा जी आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगा, आप बस देखते जाओ। भैया मुझे सांप ने काट लिया, जल्दी आइए। तुलसी तुलसी क्या हो गया? तुलसी तुम ठीक हो ना? मुझे सांप ने काट लिया, देखो। तूने सांप को देखा था क्या? जल्दी जाकर बाबा को बता। हेलो, तुलसी को सांप ने काट लिया है, जल्दी लेके आओ उसे। घबरा मत, ये ले, कुछ नहीं होगा तुझे, चलो ले जल्दी। अच्छा अच्छा, तुलसी को सांप ने काट लिया है। क्या, तुलसी ने सांप को काटा? अरे चुप। जिस सांप ने काटा था वो जहरीला था क्या? प्राइवेट हॉस्पिटल में मत जाइयो, बाबा ही उसे ठीक कर पाएंगे। ए गुड्डू, ये कौन से सांप का है? ये कोबरा का खोल है भाई। तनिक शांत हो जाओ बेटा। कौन से सांप ने काटा, देखा नहीं? पता नहीं बुआ, भाई पता लगा रहे। बाबा वो कौन सा सांप था ये तो पता नहीं, लेकिन हमें कोबरा के केचुल मिली है। अरे चुप चुप चुप, कोबरे के काटे का निशान ऐसा तो नहीं होता, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिना जहर वाला पानी का सांप था। उसी बात में सारे गाँव को इकट्ठा कर लिया। अगर मेरी बेटी को चीटी ने भी काटा हो तो भी लोग आएंगे। पर आप सबको यहाँ पर किसने बुलाया? मैंने सबको बुलाया, 25 जन को फोन किया और फैमिली ग्रुप में वॉइस मैसेज भी डाला, सब काम छोड़ के आ गए। मच्छर थोड़ी काटा। अरे शहर को बुला लेता। बहुत दर्द हो रहा है। क्या बोला? वाइन शॉप बंद करने का कोर्ट ऑर्डर? हाँ भाई, इतने दिन के लॉकडाउन के बाद तो शॉप खुली थी। मुझे तो भाई, क्या हुआ भाई? भाई क्या हो गया? राजेश कपूर खन्ना की नमस्ते। सीधा मुद्दे पे आते हैं, उसने आप पर 1, 2 नहीं 5 5 पटीशन डाली हैं। हमने अपने बचाव में क्या बोला है कि हमारा ठेका दिन के 12 बजे खुलता है। उसके जवाब में वो क्या बोलता है? नहीं नहीं, इनकी दुकान के पिछवाड़े में ही सुबह 6 बजे दारू मिलती है। जवाब में हमने क्या बोला था कि हम लोग तो रात के 10 बजे ही अपनी वाइन शॉप और बार बंद कर देते हैं। अब इसके पलट में वो क्या बोलता है कि रात के 10 बजे के बाद ही हमारे धंधे में असली चमक आती है, और रात के अंधेरे में वो जो ब्लैक का माल लेते हैं उसे पीने के लिए वो स्कूल के ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पी के टुन हो जाते हैं। और तो और उसने अपनी पटिशन में ये भी कहा है, जिस ग्लास में वो दारू पीते हैं उसी ग्लास को टंकी में डुबोते हैं, फिर उसी ग्लास नाल पानी पीते हैं, फिर उसी टंकी में कर देते हैं उल्टी। आपको दिवाली ऑफर का बैनर तो याद होगा, जो कोई भी 1000 रुपए से ऊपर की दारू लेगा उस बंदे को बम्पर ऑफर में फ्रिज, टीवी, ग्राइंडर, गिलास, चम्मच, कटोरी जैसी चीजें मिलेंगी। और तो और उसने हमारे इस सारे बम्पर ऑफर के ऊपर फिल्म बनाई और जज साहब के सामने पेश कर दी, और ऊपर से कमाल ये बंदे ने अपना नाम भी लिख दिया। चाचा जी क्या करें? पहले क्या कर लिया जो अब कर लोगे? ओए अरे छोड़ो, उसके लिए मैं हूँ ना। अब देखो कोर्ट ने क्या बोला है कि गांव के अंदर ठेका नहीं खोल सकते। उसके लिए मेरा ज्ञान ये है कि ठेका और बार दोनों को गांव से कहीं बाहर दूर शिफ्ट कर दो, और वैसे भी जब पियक्कड़ को तलब लगेगी वो गांव से बाहर तो छोड़ो जहन्नुम से जाके भी शराब ले आएगा। एक बार ठेका गाँव से बाहर चला गया तो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, है ना? ए हां जी, मैं ये वाइन शॉप को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं चलाता हूँ। अरे शहर में वाइन शॉप होना शान की बात होती है। इस बार से मेरे भतीजे की रोजी रोटी चलती है। किसी बार को चलाना, ढेर सारे जानवर पालना, मैरिज हॉल का मालिक बनना, ये सब अमीर आदमी की निशानी है। वो इमेज बर्बाद कर रहा है। ओ, आपकी इमेज की वरी बाल्टी की उन्हें मार दी पलटी, और क्या बचा है? अरुण और ये पिटिशन पांडे को छोड़ूंगा नहीं। पिताजी 5 साल हो गए हैं और तुलसी की दोष पूजा अभी तक नहीं हुई, इसीलिए ये सब हो रहा है। हमें इसका उपाय जल्दी करना होगा। खाना खा लिया? बहू हम सारी रस्म जल्दी पूरी कर लेते हैं, पर जरूरी बात यह है दोष पूजा में कौन आएगा? जो अपने होंगे आएंगे, जो नहीं होंगे नहीं आएंगे। अपने चाचा लोगों से पूछो कि उनके पास टाइम कब है, वैसे घोड़ा उत्सव से पहले हो जाए तो अच्छा है। आप सब अपने एंटरटेनमेंट के लिए रस्म करवा तो रहे हो, पर पहले तुलसी को तो पूछ लो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, कम से कम मुझे ढेर सारे गिफ्ट तो मिलेंगे। चुप लालची, तू चुप कर। अरे जूनियर पांडे, कब तक अपनी माँ का बना हुआ खाना खाएगा? बिरयानी ठूसने के लिए तैयार हो जा। सिर्फ बिरयानी? फिर क्या, पिटीशन की वजह से कोर्ट ने ठेका बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। अरे अरे क्या,
अरे ये तुमने क्या किया, हमेशा तुम उल्टे सीधे काम क्यों करते हो? थोड़ा संभल के रहना बेटा, वो लोग काफी खतरनाक हैं। कई बार सही काम करने पर हम ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्या बात है, जल्दी आ गए। इस बार एकदम टाइम पर आया हूँ। और कैसा चल रहा है हमारा तुलसी ब्रांड? अच्छा चल रहा है। और माल भेजोगे? कैसे हो मुन्ना? अरे तुम्हारे घर गया था पर ताऊजी तो वहाँ थे ही नहीं। नहीं मिले तो अच्छा ही हुआ ना। वो ठीक है, पर रसम के बारे में उन्हीं से तो पूछना था। हाँ जी। अजय क्या करने की सोच रहे हो तुम? चाचा जी उन्हें पता तो होना चाहिए कि डर क्या होता है। सुनो, वो सब अपने रिश्तेदारों में ही आते हैं। बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। पहले उसके ताऊ से बात करते हैं, उसको समझाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। वो तो भड़क गया होगा। अरे मिर्ची लगी होगी। कम नहीं है यार, कम नहीं है। सुन, सीपीआर का तेल है क्या? नहीं, हमारे पास केवल तुलसी ब्रांड का। सीपीआर बोला तो कोई भी घटिया नाम ले रहा है। ताला है? नहीं है भाई, लगवा दे। भाई मेयर साहब ने बोला है, दुकान बंद कर दे। जूता भिगो के मारा है। अच्छा चल बैठ। तुम उसके लिए रस्म क्यों करोगी? चिंता मत करना, मैं तुम्हारी खातिर रस्म अटेंड कर लूंगा। कुछ भी बोलो, मैं हिस्सा नहीं लूंगा। क्यों भैया? तुम्हारे पति के उल्टे सीधे कामों की जिम्मेदारी हम अपने सर नहीं लेना चाहते। गाँव के लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। चाची दही पूरी कमाल की बनी है। अरे क्या गलत कह दिया भाई ने, अगर वो तुम्हारी खुद की बेटी होती तो हम हर रस्म धूमधाम से मनाते। आप आओगे या नहीं? ठीक है ठीक है। तुम्हारी माँ ने सबसे पहले अपने भाइयों से सलाह ली, उसके बाद मेरे पास आयो। बिटवा ये बताओ, तुमने सबसे पहले सलाह हमसे क्यों नहीं ली? आपको गलत फहमी हो रही है ताऊ जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आया था, पर आप ही घर पर नहीं थे। मान लिया तुम अपने बाप के रास्ते पर जा रहे हो। वो सही रास्ते पे जा रहा है, आप अपना रास्ता ना। लेकिन तुम्हारे मामा सेरेमनी में आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना। आ रहे हैं ताऊ जी, बहुत बढ़िया है। हाँ लेकिन रस्म में हिस्सा नहीं लूंगा। अजी ये कैसी बात कह दी आपने? आपके पति को पैसों की पड़ी है, रिश्ते की नहीं। चुप रहो ना। हाँ, बोलो। तुम भी चुप रहो। ताऊ जी के बिना कोई भी रस्म कैसे हो पाएगी भाई? ये नहीं आएंगे तो रस्म और भी बढ़िया होगी। क्या कह रहे हो? मैं मैरिज हॉल में बैठा हूँ, आपको कुछ बात करनी है। और कोई होता तो बीच रास्ते में उसकी धोती निकाल कर पिटाई कर देता। अजय शांत रहना, बात कर रहे हैं ना अपन लोग, रास्ता निकलेगा। जब तुम सरपंच थे तब तुम्हारी मदद से उस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, पुराना रिश्ता है हमारा, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, अपने बेटे को जरा समझाओ। मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, गड़बड़ उसके चचेरे भाई में है, बात करता हूँ। तुम्हें पता है मैं तो सबको कहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए दो लड़कों के रिश्ते तैयार है, पर वो तो पूजा में भी शामिल नहीं होना चाहते। वो सब शामिल भी होंगे और उसमें से तुलसी से शादी भी करेगा। मैं हूँ ना कच्चा खिलाड़ी थोड़ी हूँ, अरे एक बार मैदान में उतरा तो सबको चित करके निकलूंगा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपने पिता से ऊपर नहीं जा पाओगे। आया बड़ा, आजकल लोगों की आदत हो गई है बाप बेटे की तुलना करने की। मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती पापा। हाँ भाई जा रहा है तो थोड़ा संभाल के। क्यों इस बार तुम मेरे साथ नहीं चल रहे? अरे माँ का सुन। सुन पहले हम लोग बड़े मामा के घर जाएंगे, उसके बाद छोटे मामा के घर जाएंगे, ठीक है? भाई जोकर पुलिस वाला। कैसे हो भाई? हाँ ठीक हूँ, तुम्हारा ऑनलाइन का कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? नहीं मामा खड़े बैठना। अच्छा और बता, पिताजी ने जो कुछ किया शायद वो गलत था, पर हमारी बहन की खातिर आपका रसम आना बहुत जरूरी है। आपको तो पता ही है कि माँ कितनी खुश होगी अगर उनके सारे भाई और भांजे इस फंक्शन में आए, उनके लिए अपनी जिंदगी का सबसे खुशी का पल होगा। अब आपकी तरफ से देने वाले सारे गिफ्ट्स ले लिए हैं, आपको कुछ नहीं देना है, बस उस दिन आप शामिल हो जाइए और अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मक्खन लगा वहाँ चलते है ना पिताजी, वैसे भी बुआ के लिए हम लोगों का इतना तो हक बनता ही है ना। और इस मकान को वाकई में घर हमारी तुलसी ने ही तो बनाया है। तुम्हारा खरीदा हुआ सामान मैं उसे बहुत प्यार से दे दूंगा। तुम्हारी माँ सोचती है मेरा कोई एक बेटा तुलसी से शादी करेगा, जो कभी नहीं हो सकता। तैयार हो तो बोलो, तभी मैं आऊंगा। मैं जानता हूँ आप तुलसी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते, मैंने तो कब से उसके लिए लड़के देखना भी शुरू कर दिया। क्यों भाई हमारे अंदर क्या कमी है? क्या बोल रहे हो, पीके जीके को उससे भी अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। देखो किस्मत में क्या लिखा है इनकी। चल छुटकू यहीं रहने का इरादा क्या? घर जाने चाची। अरे बस आखिरी जगह है, उसके बाद घर ही चलेंगे। ये लोग कलेक्टर बनने वाली लड़की से घर के काम करवा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? हेलो फ्रेंड, कैसे हो तुम? अरे कलेक्टर साहिबा आप कब लौटी? कब लौटी? बस कल ही। आने वाले कल या जाने वाला? आ तो गई ना। पता है आई तो मुझे मिली क्यों नहीं आप? बेटा जब बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते।
तामा जी, मतलब मामा जी। मामी जी नमस्ते। आओ बेटा। ये क्या लेकर आया बे? वो सारा सामान तुलसी के रसम का है, सब कुछ मैंने खरीद लिया है। बड़े मामा आ रहे हैं, अगर आप भी चार चांद लग जाते छोटे मामा। भैया तैयार हो गए? हाँ। आपकी बहन और तुलसी ने बहुत किया है उनके लिए, उनका तो फर्ज बनता है। कब है बेटा? मामी जी 3 तारीख शाम को है। शाम 6 बजे खाना मुफ्त में। तुलसी की शादी के बाद तुम्हारा ही नंबर है। अगर मामा जी मान गए तो बस मामा। मामी जी, मामा जी की खांसी बहुत बढ़ती जा रही है, या तो इन्हें काढ़ा दो या क्वारंटीन कर दो। खाना तो खा के जा। हमेशा की तरह बासी खाना दोगी क्या? ए चुप कर बेटा। जी मामा जी। सोचो जब मेरी बेटी चंद्रिका हमारे गांव के अंदर लाल बत्ती वाली गाड़ी में आएगी। कलेक्टर मैडम जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो कमाल का नजारा होगा ना? सच में कमाल का नजारा होगा। करोड़ों की प्रॉपर्टीज वाले पेपर पर जब वो साइन करेगी तो कितना मजा आएगा ना? आप डिस्को करने लगेंगे। हमारे खानदान के लिए शान की बात होगी मामा जी। याद रहे इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। अब मामा जी जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होगा ही। ऐसा सोच, उसकी किस्मत में सब कुछ है। नहीं सोचा तो? ओए तू चुप कर, जब देखो बोलता रहता है, निकल यहाँ से। हट मुच्छर कहीं का। बाबा बाय, चलता हूँ। व्हाट्सएप पे हाय भेज देना। अच्छा ठीक है, नमस्ते भेज देना। सुन, अपने चचेरे भाई और उसकी माँ को बुला कर ला। कसम चाय भी पीने नहीं देते। ये हैं या थे भाई जी? आपने बुलाया क्या? ए, तू सबके सबको क्यों बुला कर ले आया? बाद में बुलाने से अच्छा है कि समाज सेवा के नाम पर बड़े बड़ों से पंगा लेना है तुझे। हाँ? ऐसी बात नहीं है, स्कूल के बच्चों और काफी सारी औरतों को वाइन शॉप के सामने से जाने को डर लगता था। आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं जब वहाँ झगड़े ना हुए हो। अब तो 24 घंटे दुकान खुली रखने लगा था। ऐसा क्या? 115 की बाटली 250 में बेचता था और ब्लैक में तो 350। खाने की सारी चीजें, सिंह चने, वेफर, बासी और बकवास। अरे बस करो ना, तुम तो कुछ मत बोलो। सुनो, दारू पीकर बोतल कहीं पर भी फेंक देते हैं, वही पैरों में घुस जाते हैं। उसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही थी। ताऊजी, दामाजी, सब लोगों से पंगा मत लो, घर में दिया जलाओ, मंदिर में बाद में। अच्छा बढ़िया है। पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तू? हाँ, सही मुद्दे की लड़ाई के लिए पॉलिटिक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है ताऊजी। हम तो बस छोटी सी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे कि हमारे आसपास रहने वालों की थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाए। और अगर ये पॉलिटिक्स में जाना भी चाहे तो कोई बुरी बात नहीं है, वैसे भी वहाँ अच्छे लोगों का अकाल पड़ा हुआ है ताऊजी। वाह चाचू, क्या बात कही है। अरे चुप रहो ना दादी जी। बंद रख। ए, इसमें बहुत खतरा है। उन्होंने अपनी शादी का मंडप और दारू का ठेका पैसे कमाने के लिए नहीं, शान दिखाने के लिए रखा है। अगर हमारे भाई लोग इन चीजों को सही मानते हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है, बल्कि हमें तो इन पर गर्व होना चाहिए ताऊजी। तुलसी, तू यहाँ क्यों आई है? ए तुलसी, तू अपने घर जा। सही तो कह रही है, अब अपना ही घर देख लो, एक बेवड़े से कितनी परेशान हूँ। तो ये सब सही हुआ ना भैया? और आपके रहते इन्हें कौन छू सकता है? एक बात कांट बांध लो, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मुझे आकर कुछ मत कहना। सही कहा। ठीक है, अगर उन लोगों को कुछ होता है तो आप भी हमको कुछ मत कहिएगा। गुंडों को मारो। चलते हैं। सबको भेज दीजिए, खाने की तैयारी करवानी है। फंक्शन के दौरान जरा संभल कर रहना। मामा जी, स्वागत है आपका भी। स्वागत है। अच्छे से आरती उतार, पैसे भी मिलेंगे। अच्छे से लगा ना? सब कुछ अच्छे से। जितने साल नहीं आए सबकी कसर पूरी कर लो। नमस्ते। स्वागत है। तुम मेरी ही हो, किसी और के हाथों जाने नहीं दूंगा। नमस्ते। नमस्ते।
खुश रहो बेटा। सॉरी। कैसी हो बहन? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, बहुत खुश हो। तुमने गौर किया, तुलसी का ताऊ तो अंदर नहीं आया और ना ही उसने खाना खाया। ऐसा क्या? वो तो ऐसे ही चले गए। भैया क्यों गुस्से में हैं? अरे वाह, तुम सबकी अच्छी खासी कमाई हो गई। भाई जरा एक बात बताओ, तुमने चंद्रिका को चुड़ैल बोला है, कमीनी बोला है और डायन भी बोला है, और ये भी कहा है कि वो कलेक्टर कभी नहीं बन सकती। अच्छा? पर अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ तुम्हें उसके अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा है। क्या बात कर रही हो? चंद्रू आई और मैंने उसे देखा ही नहीं। क्या पहना था उसने? हाँ, क्या पहना था? बस बहुत हो गया भाई, ज्यादा नौटंकी मत करो, मैं सब समझती हूँ। सबसे ताकतवर निस्वार्थ प्यार। क्या निस्वार्थ प्यार? प्यार प्यार। ए सब्जी, चुप कर वरना बैन कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि वो मेरी तरफ देखे ना देखे, वो मुझसे बात करे या ना करे, प्यार के नेटवर्क से मोहब्बत की आउटगोइंग चलती रहेगी। ये मेरा लव जी कनेक्शन है, पता जब मैं आग बंद करता हूँ तो उसका चेहरा दिखाई देता है। तुम उसके प्यार में पढ़ कैसे गए भाई? याद है जब वो पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई थी, तब उसकी बहुत याद आने लगी। सोते जागते तो ठीक है, पर तालाब में, कुएं में, यहाँ तक कि पैखाने में उसकी याद आने लगी। सोचता हूँ जब बिना बात की इतना प्यार हो गया, अगर बात कर लेता तो क्या करता। प्यार में टन हो जाते। ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा भाई। सुनना, ये राज अपने बीच में रखना, किसी को बताना मत, समझी ना? हाँ, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। Okay. बताए नहीं कब आए तुम? पैदा हुआ तब से इधर ही छू, एनी प्रॉब्लम? वो मुझे 12वीं क्लास से प्यार करता है। मुझे लगता है कि उससे भी पहले से वो करता है, बस वो किसी को बताता नहीं है कि वो क्या सोचता है। पापा ने तो साफ साफ बोल दिया है कि मेरा बस एक ही गोल है, मुझे बनना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक बार मैं कलेक्टर बन गई ना, तो पूरा गाँव जीप में घूमूंगी। छोड़ो अब इस बात को। पता है वो मुझसे क्या कहता है? कि वो तुमसे निस्वार्थ प्यार करता है और पता नहीं क्या। इतना प्यार करता है? तुम्हें दिल की बात तो कभी समझ में आती नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ सायरन की आवाजें सुनाई देती है। ए, ये क्या है? ये सरसों के फूल हैं। ये शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इसे चाय में डालकर पीने से डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां बिल्कुल नहीं होती हैं। ओफो, कितनी बार सुना है इसके बारे में। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए हमें घर पे बनाकर ही खाना खाना चाहिए। फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए, उबली चीजें खानी चाहिए। तुम्हारे भाई के मुँह से ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ओके शहर की छोरी, तुझे याद भी है 12th क्लास में तुम्हारे बाल जो थे वो कितने छोटे छोटे हुआ करते थे? मेरे भाई ने हल्दी में सफेद कपड़ा डालकर उसे सुखाया, उसके बाद उसमें एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिलाकर तुम्हें बालों में लगाने के लिए कहा। ये सब उसने क्यों किया? ताकि तुम्हारे बाल लंबे और मजबूत हो जाएं। तब तो तुम मेरे भाई से बहुत खुश थी। और तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं शहर की छोरी। हाँ, मैं भूल गई थी ना, जाने देना। पहले तो ये हे हाय, ये फालतू के नाटक करना बंद कर दे, पूरी नौटंकी हो गई है। क्यों बेटा, चंदा मांगने आए हो? हाँ बाबा, हम लोग वही लेने आए। चंदा जमा हो रहा है? हाँ, अच्छा, हो रहा ताऊ है। जी ने कितना दिया? उन्होंने 25,000 का वादा किया है। मैं भी आपको 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन बाबा के नाम पे लिखिएगा। भाई कैश या कार्ड? चिल्लर में दूंगा तो चलेगा? 10,000 के साथ 2 डब्बे तेल के भी स्पॉन्सर कर देना। ठीक है, घर के लिए, मंदिर के लिए? सिर्फ मंदिर के लिए। अच्छा, और घोड़े के खिलौने का चढ़ावा दूंगा अपनी बहन के नाम पे। अच्छी बात है। मेरे नाम पे क्यों? ताकि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। 1,001 लिख ले। क्या भाई साहब, आपके भतीजे ने तो 10,000 दिए हैं। 10,000? वो एक ऑयल फैक्ट्री का मालिक है, वो कुछ भी दे सकता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। मेरे बाप के पास उससे भी ज्यादा पैसा है, उनसे 25K ले लो। ठीक है पांडे साहब। इतने पैसों का क्या करेंगे, मेरे नाम से 2,000 लिख ले। पर भाई साहब, आपके बेटे ने तो 2,000 नहीं पूरा 25,000 कहा है। जूते मारूंगा तुझे, जरा पास आ जा, मारने में आसानी होगी। 10,001 लिख दे। क्या बात है, अरुण भाई से आप 1 रुपए आगे निकल गए। कमाल है ना? मामा जी। जी ससुर जी। माहौल तो देखो। देख लिया। पार्टी तो बनता है ना?
माँ कसम गधे की बेटी के साथ शादी की होती तो अच्छा था। चुप जियो, मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें। कबर में लटक रहे हो, आपकी उम्र ठेंगा लगेगी। दामाद जी क्यों आदत बिगाड़ रहे हो? उनको ऊपर जाना ही है तो कब तक रोक सकता हूँ? कुछ भी। वो छड़का का नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो मैडम जी कब कलेक्टर बनने वाली है? ए, चल फूट यहाँ से। तुलसी के नाम ये खिलौना मंदिर में चढ़ाया जा रहा है, इस बारे में उसने तुमसे कुछ कहा? उसने कुछ नहीं कहा, मुझे तो अभी पता चल रहा है। तुमने कितना चंदा दिया? भगवान को चंदा मैं दिल खोल के चढ़ाता हूँ, पूरे 501 दिए हैं। 501? क्या ईबी साहब, मैंने आपके नाम पे 501 लिखा था, लेकिन आपके यहाँ से एक फूटी कौड़ी तक नहीं आई, पेमेंट कर दीजिए ना, मुझे भी उसी टाइम पे लेना चाहिए था। जाएगा, जा रहा हूँ। आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, आप जरा साइड में देखो, मुझे बात करनी है। हाँ। भाई, हाँ बोल भाई। वो कुमारन का बेटा है? नहीं। हाँ उसका ही है। तुलसी हाँ। के लिए कैसा रहेगा? सीके पीके का क्या होगा, जो कब से लाइन में खड़े? नहीं मैं सोच रहा था बैकअप में लड़के देख के रखूं। एक को रख के बाकी पैकअप कर। हाय छुटकू, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैंने कहा था ना अभी बात मत करो, तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अच्छा है। सच में बहुत अच्छा है। बढ़िया बाद में तुम्हारी खैर लूंगी। कबाब में हटी मत बन, बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तूने बोल दिया इसको? इसका मतलब अपने दिल के प्लॉट में प्यार का आशियाना बना लेना, फिर चाहे प्यार उसमें रहे या ना रहे उसे मेंटेन करके रखना। मुच्छड़ खास रहा है। हाँ, इतनी दूर से सिर्फ देख सकता है पर सुन कुछ नहीं सकता है। जैसे नाइटी फटने के बाद भी उसे फेंकते नहीं है, प्यार से पोछा बना लेते हैं, वैसे ही प्यार ना मिलने के बाद भी उससे प्यार करते रहते हैं, इसे कहते हैं निस्वार्थ प्यार। हर बात पर मछली की तरह मुंह क्यों बनाती है? ये तुलसी, हाय हाय, कैसी हो? मैं अच्छी हूं, ठीक हूं। भाई हाँ बोल। चंद्रिका तो क्या करूँ उसका, उसके पास जाना चाहता हूँ। उसमें भी क्या करूँ बता, मेरा टाका भिड़ा दो। अरे क्या टाका टाका, रिस्पेक्ट दे मुझे। ऐसे भी काम के नहीं हो। क्या बोला? पूजा शुरू हो रही, सामने देखो, सामने देखो। दो टके का लवर। राजेश कपूर खन्ना की नमस्ते। नई दिक्कत ये है, ये खेती बाड़ी की जमीन है और इसे कमर्शियल प्रॉपर्टी बना के आप इसे नहीं बेच सकते, इस पे उसने स्टे ऑर्डर ले लिया है। और जी आप मुझे ऐसे मत पूरो, उसने जो 5 पिटीशन डाली थी ना उनमें से ये भी एक थी और लगे हाथ आप इसमें भी लपेटे गए। और आपकी किस्मत इतनी माड़ी कि जज साहब ने इसमें भी स्टे ऑर्डर दे दिया। इस पे हमारी दलील ये थी कि पिछले 10 सालों से इस जमीन में अनाज का एक दाना भी नहीं बोया गया, इस पे उनके वकील ने मुझे लपेटे में ले लिया। बोलता है कि मेरी डिग्री और मेरी वकालत फर्जी है, मैंने छोले देके वकालत पास की है। बोलता है मैं अनपढ़ हूँ, मेरे पे पर्सनल अटैक किया जी उसने। पर मैं आपको पर्सनल सलाह दूंगा कि आप चिंता मत छोड़ो, आप शहर के किसी 5-स्टार होटल में मेरे लिए एक शानदार 7-स्टार रूम बुक करवा दो, मैं अपने दिमाग के कोड़े दौड़ूंगा और उसी कोड़े पर बैठकर हम लोग हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे, की कहते तुसी? अब मैं तुझे एक सलाह दूं, दे दो, मुंह बंद रख। फिर तो आप गए अंदर, मेरा कोई कसूर नहीं। अब इस गांव में रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि खरीदार को लगेगा कि वो पेपर और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएगा। ऊपर से ये गधा वकील, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। नमस्कार भाई। नमस्ते। हम लोगों ने लोन लेकर ये जमीन खरीदी थी, सोचा था कि सारे पेपर सही होंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारा मामला ठीक कर दूंगा। क्या वकील साहब, बोलो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? ठीक है, नजर घुमा के देख ले अपने आप, सब ठीक ही तो है, बाकी रहो भगवान भरोसे। हमें आप पे भरोसा है, फिर तो तुम्हारा कांड पक्का है, जल्दी रोड पे आओगे। अरे माँ कसम भाई, ये सारी भीड़ इकट्ठा करके चंदा मांगने आए क्या हमसे? जमीन को बेचने से रोकने के लिए किसने केस फाइल किया? हाँ? मेरे पापा ने पेपर दिया, चाचू ने पेन दिया और मैंने लिखा, क्या करेगा वो दड़ियल? अरे मरवाए, वो जमीन हमारी है, जमीन को बिकवाने और ठेका बंद कराने वाले तुम कौन होते हो? मैंने बड़ी मुश्किल से रोज के 125 रुपए बचा कर वो जमीन खरीदी थी। हा? ये केस क्यों डाला तुमने बता? रोज का 125 बचा के, कुछ तो गड़बड़ है। ए बुढ़िया, बोलना क्या है और बोल क्या रही हो? अरे छोटे, अब मैं समझा। अरे दिन के 125 कमाने वाले, देखो तुम्हारा सुपरवाइजर आ गया, पकड़ो पकड़ो उसको। देख लिया, पैसा देके भीड़ जमा करते हैं चिंदी लोग। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो इन्हें और लुंगी निकाल के मारो। हाँ भाई, अब तेरा जलवा दिखाने का टाइम आ गया है, तो बेटा हम बिना टिकट के मस्त फाइटिंग वाला शो देखेंगे। अरे माइक दे भाई। ए मेरे साथ मजाक नहीं कर रहा, मारो मत यार। माइक चेक, 1 2 4 1 2 4। हाँ तो मंदिर का फेस्टिवल खत्म होते ही हम आपके लिए लेकर आए हैं संडे स्पेशल शो। देख रहे हो
तो ये शो देखने के लिए भीड़ जमा ना करें, साइड पे खड़े रहें और मजे से देखें और मजे से देखें और मजे से देखें और मजे से देखें। चाचू आपके पीछे कुछ आ रहे। आजा आजा मार खाजा खाजा। ये दिया वो दिया। इसी के साथ झिंगुर को उठा के पटक दिया और ये पीठ पे लात मार दी है। लेकिन ये गुंडे वाकई लातों के भूत हैं। इन्हें लातों से नहीं मुक्कों से समझाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों हमारे साथ मंत्री साहब आप कुछ कहना चाहिए मंत्री साहब? अरे अपनी लड़ाई साइड में करो ना, आने जाने वालों को रास्ता दो। अरे आप जाइए, रास्ता खुला है। सारे गुंडे झड़े हुए पत्ते के माफिक बिखर रहे हैं। ये लड़ाई देखते हुए लग रहा है कि अब इसका दी एंड आने वाला है। तुम पैसा ना भी कमाओ तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारी याद बहुत आती है, जल्दी आओ ना। छुट्टी के लिए अर्जी दे दी है, जल्दी आ जाऊंगा। डिलीवरी के वक्त तुम मेरे साथ में ही रहना। ठीक है जानू। बेटा तू कैसा है? दादाजी मैं बढ़िया हूँ। अरे रे क्या हो गया? हम सब गाड़ी से आ रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत चोट लग गई। जाओ वो मालिश वाला तेल लेकर आ। लोगों को क्या हो गया जानू? एक एक कर आ जाओ। अरे कुछ नहीं, इनकी वैन पलट गई जिसकी वजह से। ये तो गिरने का घाव नहीं लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है किसी ने जोर से मरोड़ दिया है। अरे वाह चाचा ये तो यहाँ भी आ गए। ये मेरा पोता और शिष्य भी है। आप लोग बैठ जाओ। छोटू आ जाओ। दादा इसी ने हमें पीटा। इसी ने हमें पीटा। पहले ही लोग बोलते हैं कि तुम मेरे पास मरीज भेजते रहते हो, अब इसके लिए पिटाई करने की क्या जरूरत है? कब सुधरोगे? बैठो सब, चलो बैठो। लोग ज्यादा हैं, तुम एक काम करो इनको तेल लगाओ। ये नहीं, आप ही हमारा इलाज करिए। अरे ये मेरा शिष्य है, टकाटक है इसका काम, बेफिक्र रहो। आ जाओ उठ ना। इसे कैसे मारा था? अच्छा खासा मरो। अरे अरे रुक रुक, अभी से क्यों चिल्ला रहा? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तुम इतना चिल्लाओगे तो मुझे डर लगेगा। अब अपना हाथ उठा के देख, इसका तो हो गया। अगला कौन है? आजा। ऐसा लग रहा बाइक पे बैठ के फोन पे बात कर रहा है। इसको कैसे मारा? अरे बेटा आराम से। हो गया चल जा। चल हो गया तेरा, निकल। अबे घूर क्या रहा है बे? चल तो जा रहा है। सुनने में आया है कि सीके पीके की शादी किसी और से हो रही, तुलसी से नहीं। रिश्तों की आजकल अहमियत ही नहीं है। ये सारे मामा तो कंस निकले, पता नहीं माँ क्या कहेगी। हमने उस पर विश्वास किया, पर हमें थोड़ी पता था वो पुलिस वाला हमें ऐसे धोखा देगा। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ अपनी तुलसी उस ठुल्ले से बच गई। कैसे? अरे एक नंबर का कार्टून है। सोचिए जब घर पे आएगा तो आपसे बात कैसे करेगा। आंटी कैसे हो तुम लोग सब? साले साहब। अरे बाप रे, भूत ने अभी उसकी हंसी सुन के डर जाए। तुलसी खाने में क्या बनाया है? हंस मत, सुबह शाम उसके हंसी की रिंगटोन सुननी पड़ेगी। उसका भाई सीके है ना, वो फिर भी अच्छा है। आंटी कैसी तबीयत है, सब ठीक ना? तुलसी खाना खा के पिक्चर देखोगी या पिक्चर देख के खाओगी? सीके इसके लिए बिल्कुल सही है। कुछ भी बोलता है, अगर दूसरे बेटे ने भी धोखा दे दिया तो? अरे मुझ पर तो भरोसा रखना माँ, इस तुलसी को पार्सल करने की जिम्मेदारी मेरी है। हम सब पीके की शादी में खुले दिल से जाएंगे, ठीक है? मुस्कुराते हुए, सही गाना भाई। तीन चार बार दांत घसने के बाद। तैयारी तो बड़ी शानदार की है। आजकल शादी दिखावे के लिए ही तो की जाती है, वरना फेरे तो मंदिर में भी लिए जा सकते हैं। दामाद जी। हाँ ससुर जी। शादी का माहौल लग तो रहा है। चखना वखना है ना? पनीर के साथ सिंह चना है क्यों? और वो विशेष आइटम है, एक बाटली विश है, जाकर पी लो। मंगाऊं क्या? देखो कितना। आइए आइए। नमस्ते आंटी, कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? आंटी जी ठीक हूँ। तुलसी तुलसी कहाँ थी? हाँ बस ऐसे ही थोड़ा। भाई कहाँ है? शायद अंदर होंगे। अच्छा चलो आंटी ठीक है। आइए ना। थोड़ा सा भाव क्या दे दिया, तुम तो लेट आना शुरू हो गए। अब फैमिली का एक मेंबर लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पार्टनर? क्या मैं जो बोल रही हूँ उसका तुम गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? जब एक छत के नीचे रहेंगे तो सब समझ जाओगे। क्या मतलब? हाँ पापा मैं आ रहा हूँ। चंद्रू ये लड़का तुम्हें कैसा लगा? ठीक लग रहा है। क्यों? वो तुलसी के लिए। और मेरे भाई का क्या? कौन? सीके, वो धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है पार्टनर? चंद्रिका थोड़ी होता। क्या तुम अरुण से बातें कर रही हो? उधर पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आ जाओ। ले जाओ इसे, हम तो फालतू है ना।
मैं भी अपनी शादी में ना येलो कलर की साड़ी पहनना चाहती हूँ। अरे मैं तो बनारस जाके तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेकर आऊंगा, समझी। मैं तो इन लोगों से बात कर रही थी, तो तुम क्यों जवाब दे रहे हो? मैं हाँ, सारे मेहमानों का ख्याल रखा है, वेज नॉन वेज सब खिला दिया। शादी हो रही है, शादी की बातें भी हो रही है, सब काम एक साथ। हाँ, सारे काम एक ही साथ। लगता है तुम लोगों से मिलने के बाद मेरा कलेक्टर बनने का सपना तो गया। जमीन पर रहो, हवा में मत उड़ो, फिर कलेक्टर बनने का सपना सच हो जाएगा। नहीं नहीं, सही बोला ना। हाँ ओके भैया। आज के बाद दुल्हन कभी नहीं आसेगी। दुल्हन तो मुझे कुछ ज्यादा ही सीधी लग रही है। देखो, मैं तो अपनी शादी में पक्का हाई हील पहनने वाली हूँ, ताकि मैं लंबी हो जाऊँ और मेरा सर न झुके। अगर उसे मेरे पास आना तो उसे झुकना पड़ेगा। सही है पार्टनर, मैं भी ऐसी ही बीवी चाहता हूँ जो अपना और मेरा दोनों का सर ऊंचा रखे। हेलो, मैं तुम्हारी बातें कर रही हूँ, ज्यादा उड़ो मत। लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ, कुछ गलत किया पार्टनर? कुछ भी गलत नहीं किया पार्टनर। लो, भगवान के रूप ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। पूरा अपने बाप पे गया है। गलती से भी इनकी तरह मत बनना। कम से कम मेरे बच्चे के सामने तो ऐसी बात मत कर। ठीक है, तो तुम्हारे साथ घर घर खेलता हूँ, डॉक्टर डॉक्टर तो खेल नहीं सकता हूँ ना। एक मिनट सुनो ना, वो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम्हें कौन सा फ्रूट खाने में अच्छा लगता है? मेरी माँ और बहन इसी तरफ देख रहे हैं, बाद में बात करते हैं। माँ आओ ना। हाँ हाँ, बस अभी आया। ये बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? रुको, तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, मैं या तुम्हारी माँ? बेशक मेरी माँ। और मेरा क्या? बेटा आ भी जाओ। माँ बस एक मिनट में आया। लगता है उसका टेस्ट ले रही है, इसीलिए थोड़ा सा घबरा रहा है। वैसे तुम पूछना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझा नहीं। तुम मेरा ख्याल रखोगे या नहीं? भाई तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, चलो जल्दी, देर हो रही है। अरे हाँ बाबा, एक मिनट में आया। देखो पार्टनर, जिस तरह माँ का ख्याल रखता हूँ वैसे ही तुम्हारा भी रखूंगा। तुम्हें मेरा ख्याल ऐसे रखना होगा जैसे तुम अपनी रानी बेटी का रखोगे। अगर तुम मेरी ये शर्त मानने को तैयार हो जाओ तो मैं शादी कर लूंगी। तो बताओ पार्टनर, मंजूर है? पापा मुझे माफ कर दो ना पापा। भागने का पूरा प्लानिंग था। प्लीज माफ कर दो। अपने भाई को बोल कि यहाँ से चला जाए, मैं तुझे कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। पापा प्लीज पापा। जिसका डर था वही हुआ, दूसरे बेटे ने भी धोखा दे दिया। सुन तुलसी, तुझसे एक बात कहनी है, ना सुन के बुरा मानना ना जाके माँ के कान भरना, समझी? बोलो ना। मामा जी ने मुँह पे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो अपने किसी भी बेटे की शादी तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। अब ये बात मैं माँ से कैसे कहता, इसलिए मैं दूसरे लड़के ढूंढने लगा और बाप रे क्या जोक सुना है यार, चप्पल लेके भाग गया। बहुत अच्छा था। तुम कमाल हो। हे भाई, माँ ने मेरी बात सुनी होगी क्या? ठीक है, जाके पूछ के आता हूँ। अरे नहीं सुनी होगी भाई, माँ ने सारी बातें सुन ली होंगी। अरे आप बताइए, सुनी होगी? ना नहीं सुनी होगी। और सुन भी लेंगी तो क्या है? सही कहा बाबा, आपको पता है ना वो गुस्से में अपने भाइयों से बात करना छोड़ देंगी। हाँ सही कहा तुमने, ऐसा कर सकती है। भाई सुनो ना, मैंने जो कुछ बोला था वो वापस से बोलता हूँ, तुम जाके माँ की तरह एंट्री मारो ना और देखो कुछ सुनाई देता है क्या। ये क्या नौटंकी है? मेरे भाई बहुत जरूरी है, सुन लिया होगा तो उस हिसाब से आगे नाटक करूंगा। अगर पिक्चर में काम कर लेता तो अच्छे खासे पैसे कमा लेता। बाबा रेडी एक्शन। मामा जी ने मुंह पे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो अपने किसी भी बेटे की शादी तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? सुनाई दिया क्या? थोड़ा सुनाई दिया और थोड़ा सुनाई नहीं भी दिया। मैं कह रही हूँ ना, माँ ने हर बात सुनी होगी। तू जाके माँ की एक्टिंग करना और बताना कुछ सुनाई दिया या नहीं। चल भाग यहाँ से, हट। तो फिर अब किसको बोले यार? मुझे तो बख्श दो। इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अच्छा भाई तुम मेरी जगह बैठो और मैंने जो कुछ बोला था वही बोलना। मैं जाकर माँ की तरह एंट्री मारता हूँ और देखता हूँ कुछ सुनाई देता है क्या। एक्शन। बाबा जी डायलॉग भूल गया। एक बार और। बहुत कड़क डायरेक्टर है। एक्शन। मेरी प्यारी माँ। पहली बार तो मैंने नहीं सुना था बेटा, लेकिन दूसरी बार अच्छे से सुन लिया। फिल्म पिट गई, डायरेक्टर की आखिरी पिक्चर थी। ये लो। सभी लोग मुझसे छिपाते हैं, मुझे धोखा देते हैं, पर मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। शायद इसीलिए मुझे इतने दुख देखने को मिलते हैं बेटा। माँ आपको कोई भी धोखा नहीं दे रहा है। वो पैसों से मेरी औकात तोड़ रहे हैं ना, लेकिन वो कौन होते हैं मुझे और तुम्हारी बहन को परखने वाले? माँ
उसने जिससे प्यार किया उससे शादी कर ली, इसमें हम लोग क्या करें? करनी पड़ी क्योंकि वो उसके साथ भाग गया था। अरे वो सबके सब चोर और मक्कार हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे के नाम पर ज्यादा से ज्यादा दहेज लेकर अपने घर की तिजोरी भरना चाहते हैं। जिनके पास कुछ नहीं उनकी कोई इज्जत नहीं। जब नोट बढ़ते हैं तो प्यार बढ़ता है, पैसे कम हुए तो प्यार भी कम। ये बात समझ लो बेटा, आजकल पैसा ही सब कुछ है। हमारे पास पैसे होते तो तुम्हारी बहन के रिश्ते को ठुकराते नहीं, पैसे के लालची हैं सब। अरे इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। अगर आप सुकून की नींद सोते हैं तो आप ज्यादा अमीर हैं, नहीं सो पाते तो आप बिल्कुल गरीब हैं। जो लोग संतोषी होते हैं वो हमेशा चैन के नींद सोते हैं। 100 करोड़ रखे क्या फायदा। बाबा आपने बिल्कुल सही कहा। अरे देखना माँ, अपनी बहन के लिए एक नंबर रिश्ता लेकर आऊंगा, ऐसी जोड़ी बनाऊंगा जो स्वर्ग में भी नहीं बनी होगी, जैसे फालूदे और आइसक्रीम की जोड़ी है। मेरी रसमलाई। हेलो पार्टनर, कावेरी को लेबर पेन शुरू हो गया, जल्दी आओ। भाई इसके पति को जरा फोन लगाना और इससे बात करवाओ। हाँ बोलो भैया। तुम्हारी पत्नी कावेरी को दर्द होने लगा था, इसलिए हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। भैया इसे अच्छे हॉस्पिटल लेके जाना। लो बात करो अपनी पत्नी से, लो पकड़ो बात करो। कावेरी बिल्कुल मत घबराओ, मेरे भाई तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। तुम कब आ रहे हो? मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। फोन दो। ए हाँ भैया, तेरे सेठ को फोन लगा के बोलूं क्या कि तेरा बाप मर गया? अरे भाई कैसी बातें कर रहा है? अरे तभी आने देंगे। बात सुन भैया, लाखों रुपए कमाने का फायदा ही क्या है यार, जब इतने मुश्किल वक्त में तू अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकता। हम उसका ख्याल रख सकते हैं पर तेरी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता यार। समझ रहा हूं भैया, मैंने बहुत कोशिश की। बस अभी रो मत, हम सब है ना, संभाल लेना भैया। हां सुनो, डिलीवरी में अकेला छोड़ा ना तो जान ले लूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे तुम्हारा पाव भारी होगा मैं छोड़ के दुबई भाग जाऊंगा। चुप करो, मैं दिन रात तुम्हारी सेवा करूंगा। कैसी सेवा करोगे? अब ऐसी बातें सबके सामने। मेरी बात सुनो। हाँ बोलो भाभी। मेरी एक मदद करो। क्या मदद करनी? मुझे इस कार से उतार कर ऑटो में बिठा दो प्लीज। तो क्या हुआ? अरे इन दोनों की प्यार भरी बातें सुनकर मेरी जान निकल जाएगी। ये बैलगाड़ी की तरह गाड़ी चला रहा है। गाड़ी से चलाऊंगा तो बच्चे को झटका लगेगा। इससे अच्छा तो गाड़ी से उतर के तू धक्का मार, बिल्कुल नहीं हिलेगी। तेज चला, डाल और उड़ा। पापा खीरा खाना है। लगा ब्रेक लगा, इसको खीरा खाना है भाई। हम क्या घूमने आए हैं, दर्द के मारे जान निकल रही है। जल्दी चलाओ। काका प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल? अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए था। चंद्रिका ने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो तो ले गए। एडवांस पेमेंट कितना किया? अरे बताऊंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, जल्दी आ जाओ। तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। रो रहे थे क्या पापा? जोर जोर से। अरे बाप रे। लो ठूसो ना। अरे खाओ ना, चाचा के अकाउंट से मंगाया है, बिरयानी भी मंगाई है, वो भी आएगी। कितनी क्यूट है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे कहाँ ये, कहाँ ये। अरे दे दे दे, ऐसे अभी किस्मत करो, इन्फेक्शन हो सकता है। एक राज की बात बताऊं? हाँ। लड़कियों को फोरहेड पर किस करवाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ? लॉन्ग किस हो तो और अच्छा। हाँ। लेकिन लॉन्ग किस फोरहेड पे नहीं। मैं समझ गया हूँ। समझोगे या किस भी करोगे? भाभी सामने ही है। वो सो रही हैं, उन्हें आराम करने दो। बहुत गहरी नींद में। अरे जाओ यहाँ से तुम लोग। जा रहे हैं, जा रहे हैं। बड़ा क्यूट बच्चा है, अच्छा वो माँ पे नहीं गया। पार्टनर, हमारी फर्स्ट किस आज ही होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आज हुई ना तो ये फर्स्ट किस हम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी याद रहेगी, हमारी शादी के बाद भी। ये लो, इसने भी रोना शुरू कर दिया। अरे तुम लोग बाहर जाके चोंच लड़ाओ ना। एसी लाइट सब चालू करके रखा है, सब हमारे बिल में ही डालेंगे। ओए, यहाँ आने के लिए किसने कहा था? अरे खानदान में जो नया मेहमान पधारा है उसको देखो, पैसा पैसा। पहले जाओ उधर। खुद के परिवार में ही ब्याज में पैसा देने का शौक है ना, अब निकलेगा ब्याज। ले घटक ले। लड़कियों को अच्छा लगता है जब कोई पीछे से उन्हें आकर हग करता है। तुम भी उन लड़कियों में से हो, इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम दोनों को मैं पता है, बच्चा 3 किलो का है, जाना मत। क्या बोल रही थी? अगर मैं थक जाऊं तो तुम्हें मुझे उठाना पड़ेगा और जोर से हग करना पड़ेगा, इतनी जोर से कि सांस तक ना ली जाए। अगर तुम ये कर पाओगे तभी मानूंगी तुम्हें मुझसे प्यार है। चलो हग करके दिखाओ। कौन मैं? हाँ, हग तो कर लूंगा पर मुझे बहुत शर्म आ रही है। दिखने में तो शर्मीले नहीं लगते तुम, इतना बन क्यों रहे हो? बिल्कुल सही पहचाना मुझे, बेशरम हूँ मैं। ए, 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 ए।
Excuse me. मेरे पापा सो रहे हैं। तो क्या करें, उनके लिए लोरी गाएं? वो मैंने गा दी है, आप प्लीज उधर जाइए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी भाई, पिताजी को चादर उड़ा दो, यार का इलाज कहीं और करना पड़ेगा। बच्चे कितने क्यूट है। आखिर तुम डिलीवरी के वक्त यहाँ नहीं आए ना? माफ कर देना मुझे। चलेगा, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। मैं जल्दी वहाँ आ जाऊंगा। हाँ तो क्या कह रही थी? हाँ तो मैं बोल रही थी, मुझे रोज तुमसे 1000 किस तो चाहिए ही चाहिए। और कुछ? अगर गुस्से में हुई तो 100 किस और ज्यादा गुस्से में हुई तो 500 किस और चाहिए, समझ गए? ओके? तुम्हारी बातें मेरे अरमानों को सहला रही है। शुक्रिया, हम लोग यहाँ टाइम पे आ गए। समझ गया, अब कौन आया है? मैं आया हूँ। क्यों आए हो? ये कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक 2x4 नहीं हो जाते। अच्छा, तो हमें अकेला छोड़ दो ना। हाँ ठीक है, हम लोग बिरयानी खा कर आते हैं। चला हफ्ते के 80 साल का बूढ़ा लोहे का टुकड़ा खा के जी रहा है, यहाँ तो बीवी के हाथ का खाना हजम नहीं हो रहा है। बेटा, एक ही परिवार से तुम्हारी और तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता आया है, कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। अच्छा उन्हें बुला लीजिए माँ। क्या कहा? तुम्हारे होश तो ठिकाने में है, वो तुमसे कितनी बड़ी है। अरे तो क्या हो गया, आजकल तो सब कुछ चलता है। अरे क्या चलता है, 10 साल के बाद लाठी के सहारे चलेगी, चलता है बोलता है। चुप करो भाई, तूने देखा नहीं लड़का कितना हैंडसम है? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। किसकी शादी यहाँ मर्जी से होती है, जिंदगी भर यहाँ कुमारी बैठी रहेगी? शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है। देखो माँ, भाई चंद्रिका को चाहता है तो पहले इनकी शादी कराइए, उसके बाद आप जहाँ चाहेंगी मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बताते क्यों नहीं कि तुम चंद्रिका से प्यार करते हो? इस घर में हर कोई अपनी मनमानी करता है, करो जो करना है। अरे माँ, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा, छोड़ ना तुलसी, अब मान भी जा। अगर तुम चंद्रिका से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो लड़का अपनी बहन से ज्यादा प्यार करता होगा तो? क्या बात है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। अंकल, ये दोनों एक दूसरे को बचपन से प्यार करते आ रहे हैं, बड़े अंकल ने तो मुझे अपनी बहू बनाया नहीं, कम से कम आप इन दोनों की इच्छा पूरी कर दीजिए ना। मेरी माँ और मेरा भाई मेरी खातिर बहुत गलत फैसला लेने जा रहे हैं, आप जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए ना अंकल। प्लीज अंकल, जरूर सोचिए ना इस बारे में, प्लीज इनकी इच्छा पूरी कर दीजिए। बड़े भैया के बारे में क्या कहा तूने? मेरा बड़ा भाई इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल साफ है, और तू अच्छी तरह से जानती है कि वो तेरे साथ अपने किसी भी बेटे की शादी नहीं करेगा, क्योंकि तेरे साथ कोई शादी नहीं करना चाहता, और तू यहाँ अपने भाई का रिश्ता लेकर आई है। चल लेकर यहाँ से जा। पापा, आप इस तरह चिल्लाकर उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? तेरा रिश्ता कहाँ करना है अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तू चुप रहे। अंकल निकल, मैंने कहा ना निकल। मामा, आपको तुलसी पसंद नहीं है तो उससे बात नहीं करते, उसे बुरा भला कहने की क्या जरूरत थी? अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? आइंदा अगर तुलसी को किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बैठ जा, अपनी अकड़ पुलिस स्टेशन में दिखाना, तुम सबकी आंखों पर लालच का पर्दा चढ़ा हुआ है, इसलिए रिश्ते नाते क्या होते हैं ये तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ये आपकी बेटी, आपको जहां शादी करवानी है वहां करवाइए, हम लोग गरीब जरूर हैं पर भिखारी नहीं है, अपनी मेहनत का खाते हैं। अपने अंकल से ऐसे बात करते हैं बेटा? भांजी से कैसे बात करते हैं ये भी बताना चाहिए था ना, सालों से हमें उंगली 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 करते जा रहे हैं। कैसे खास लेते हो काका? बाबा हाँ? हमने शादी की बात कर ली है, इसके परिवार में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका बिजनेस सेट करके दे। बिजनेस सेट करके? हम सब इंतजाम कर लेंगे भाई। हाँ तो ठीक है। आप इसके लिए तैयार कैसे हो गए? आपको उसके जन्म के बारे में नहीं पता? आप लोगों की वजह से तैयार हुआ, मुझे लगा आप तुलसी को अपनी बेटी समझते हैं। वो तो है, लेकिन उसका खून हमसे अलग है ना। देखिए, मैंने आपकी फैमिली में शादी की, जो लड़की आपके घर आ रही है वो हमारे लेवल की होनी चाहिए ना। ठीक है, कर डालिए। कर डालिए से क्या मतलब बहन जी, आपको भी शामिल होना पड़ेगा। मैं तो बाहर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखूंगा। आप ही बताइए अब मैं क्या करूं बहन। भैया लड़की बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल मत सोचिए। अरे तू तो अपने घर का लड़का है, पर इस वक्त हाथ जरा तंग है। बोलिए साहब जी। मेरे भतीजे को 5 लाख रुपया अर्जेंट चाहिए। हाँ लौटा देगा सूद समेत, थोड़ी मदद कर दो भाई। मैं खुद आपसे ब्याज पर पैसा लेता हूँ, मजाक कर रहे हैं क्या? अरे मैं जो कह रहा हूँ वो समझो। बात कुछ समझ नहीं आई। एक काम करो, शाम को
उनसे पैसे ले लेना। हाँ। पर बिना भूले हर महीने की 5 तारीख को सूद दे देना। आप फिक्र मत कीजिए और पैसों की फिजूल खर्ची मत करना। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। साहब जी सुनो, मैं 5 लाख भिजवाता हूँ। अच्छा जी। वो पैसे उसे दे देना। ओ, ठीक है। हर महीने वो जो सूद देगा मुझे दे देना। समझ गया। पैसे पेड़ पे उगते हैं, जो निकाल के उसे दे दूं। अरे आइए आइए। नमस्ते। अरे नमस्ते पधारिए। नमस्ते। मैंने तो कह दिया क्या, अगर अच्छा लग रहा है तो कर लो। अरे कैसी हो दादी, ठीक हो ना? बहुत क्यूट लग रही हो। हां अरे क्या कर रहे हो वहां पे, देखो उनको मिला नहीं है, जल्दी दो सर्व करो उनको। आप देखो इतनी देर हो गई और लड़के वालों की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है। आते ही होंगे माँ, हो सकता है शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, थोड़ी देर में आ जाएंगे। नमस्ते। मैंने पहले ही कहा था। भाभी जी, मेरे भाई के घर में कुछ दिक्कत आ गई है, सगाई रोकने को बोला है उन्होंने। ये क्या बोल रही है भाभी जी? देखा, उनके परिवार ने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। उन्हें ये सब हमें पहले बता देना चाहिए था ना, मंदिर में बुला के हमारी बेइज्जती कर रहे हैं वो। तुलसी की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा, बहनों की बात तो हमें माननी पड़ेगी बेटा। क्या बात है अजय, तू तो बहुत शाना हो गया आजकल। क्या प्लानिंग है तेरी भाई, मान गया। वाह, चाचा का कोई वारिस तो है नहीं तो प्रॉपर्टी का मालिक तो बन जाएगा, है ना? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं है। ओए तू ये गोल गोल को माफी रखकर क्या बात कर रहा है, जो तेरे दिल में है साफ साफ कह दे। देख भाई, बात ये है कि तेरी शादी अभी हुई नहीं है और अंकल की कोई औलाद नहीं है, तो इतना पैसा जमा करके क्या फायदा है? कम से कम ठेके पे थोड़ा चखना फ्री में दे दिया करे, पुण्य मिलेगा। पिछले 4 साल से अपने घर का काम खत्म नहीं कर पाया, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तेरे चाचा का इतना बड़ा घर है, उसका गला काट दे और घर पे कब्जा कर ले, और बुड्ढा मरने के बाद तो तेरे काम आएगा कोई ना कोई। देख चाचा के बारे में उल्टा मत बोल। भाई मैं तो वकील हूँ, अच्छी सलाह देना मेरा फर्ज है। भगवान ने तेरे आदमी अमृत का लोटा पकड़ाया है, पी ना पी तेरी मर्जी। आंटी जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बस थोड़ा सा थक गई हूँ बेटा, आराम कर रही हूँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा बेटा मुझे लेने आ ही रहा है, पास में ही है। क्यों, हम इंसान नहीं है, हमारी गाड़ी पर नहीं बैठ सकती? अरे ऐसी बात नहीं है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं तो चाहता हूँ लेकिन क्या करें, कोई अपनी बेटी का हाथ मुझे देना ही नहीं चाहता। आओ चाय पी के जाओ। नहीं आंटी, वैसे मैं तुलसी का हाथ जो मांगा उसके लिए बुरा मत मानिएगा। क्यों, उससे शादी करने के लिए मना कर दो? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुलसी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लड़की है, जिसके साथ उसकी शादी होगी बहुत ही नसीब वाला होगा, उसकी जिंदगी सवर जाएगी। सगाई टूटने की वजह आपके रिश्तेदार ही है, पता है? ये तुम क्या कह रहे हो? जब ऐसे रिश्तेदार हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है, अपने आप को संभालिए और घर जाइए। तू बता बेटा, तू शादी करेगा? क्या बताऊं आंटी, मेरा नाम इस इलाके में बहुत बदनाम है, शराब की एक बूंद तक नहीं पीता लेकिन बार चलाता हूं। बोले तो बहुत शरीफ हूं लेकिन फिर भी कोई अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाहता। देखिए आंटी, मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देता। क्या मैं इस बारे में अपने बेटे और बेटी से पूछ लूँ? मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर बेटा और बेटी ना कह दिए तो? आंटी जी आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश कर दिया, चलता हूँ आंटी, बाय। कैसी बातें कर रही हो माँ, इसको किसी के भी गले में बांधू? कितनी बार कह चुका हूँ मैं तुलसी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। और वो लड़का कब मिलेगा? थोड़ा सब्र करो, मिल जाएगा माँ। मुझे वो बहुत पसंद आया है और मैं उससे उसी दिन शादी करूंगी जो तारीख हमने पहले से ही तय की हुई थी। भाई तुम सबको पता भी है क्या बोल रहे हो, एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो आदमी, उससे शादी करोगी? बेटा वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और पूरे गांव में उसका नाम बहुत बदनाम है। क्यों दादाजी, आप लोग क्या मेरी शादी होते देखना नहीं चाहते हैं क्या? उसके माँ बाप सालों से आपस में बात नहीं करते, एक घर में 2 चूल्हे जलते हैं, उस पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कौन अच्छा है भाई, सभी लोग तो नकली मुखौटा लगाकर बैठे हुए हैं, कम से कम वो जैसा दिखता है वो वैसा ही है। देख थोड़ा और इंतजार कर, हमारी पहचान में और भी लड़के हैं, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। फिर कोई रिश्तेदार हमारी शादी में अड़ंगा डालकर रुकवा देंगे, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं ना भाई, पर कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता।
जबकि वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। तुम भी मान जाओ भाई, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। लगता है तुझे मुझ पे भरोसा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ तुम चार लोग ही हैं जो मुझे समझते हैं, जबकि पूरा गांव मुझे लेकर उल्टी सीधी बातें करता है। मुझसे वादा करो भाई, मेरी शादी की बात अब यहाँ नहीं होगी, मैं आप लोगों के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ। ये लगातार मेरी शादी की बात अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है भाई। तुलसी की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है, ये तो बहुत ही बुरा हो गया। मुझे लगा आप तुलसी को अपनी बेटी समझते हैं। तो क्या हुआ, उसका खून तो अलग है ना हमसे। तुमने किसके घर में जन्म लिया, कौन शादी करने वाला है तुमसे? सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मुझे वो बहुत पसंद है भाई। सब कुछ मैं देख लूंगा, तो टेंशन मत ले। चल चाचा। बाबा, मेरी बहन को क्यों मारा तूने? चल हट। ये हाँ भैया, भैया क्या हो गया? चाचा जी, राणा आ जाओ भाई। आओ ना, चलो। बड़े भैया। हाँ बोल। वो सोच रही होगी कि हम उसकी बेटी की शादी अटेंड करेंगे, जबकि हम करेंगे ही नहीं। बहुत ज्यादा अकड़ रही थी उस दिन, आज सब समझ में आ जाएगा। हमारे काफी रिश्तेदार इस शादी में नहीं आए। माँ, वो छुट्टी मनाने के लिए तीर्थ पर गए हैं। मेरी बहन की शादी में आने के लिए उनके पास मुँह रह गया था क्या? बाबा जी जल्दी कीजिए ना, मुहूर्त निकल रहा है। बाबा आप दे दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। चाचा जी आप आ जाइए। खुश रहना तुलसी। हाय भैया। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स भैया। ये ले जी बहन जी। ये। अरे कैसे पहना रहे हो? आजा यहाँ पर खड़ी हो जा। संभल कर। हम सब इंतजाम कर लेंगे। वो हमारे कलकत्ता। उन्हीं को दे दे। अरे मैं अपने जीजा जी के पास खड़ा होऊंगा। जीजा जी मेरी बहन तुलसी का ख्याल रखेगा प्लीज। हाँ हाँ, कहने की बात थोड़ी ना है। मैंने सुना कि तुम और तुम्हारे बाबा नहीं चाहते थे कि ये शादी हो। नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मीठी छुरी की बात सुनी होगी। अब देख भी ले साले साहब। आगे आगे देख तू। तुलसी भूख लगी है, चलो ना। चलो भैया।
शादी की रस्म पूरी होने के बाद दूल्हा यहाँ लंच तक बैठा रहा। उसने मेहमानों को खाना भी खिलाया और जो वीडियो बना रहा था उसने उन दोनों से कहा थोड़ा करीब आके खड़े हो जाओ। उस बात से नाराज हो गया और उसे गाली देकर चला गया। सब लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। भैया वो कहाँ गया होगा? यहाँ बाहर में तो नहीं है बेटा, वो तो घर पे भी नहीं है। वो बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा कुछ पता चले तो फोन करना, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तू जा जाकर माँ के साथ बैठ। अरे बोला ना फिक्र मत कर, जा बैठ। किन पापों की सजा दे रहे हो मुझे? अरे पांडे भाई मेरी पत्नी भी गायब है यार। तो कहीं अजीत मेरी पत्नी के साथ दोनों साथ में भागे। ओ सुनो बेटे का पेट खराब हो गया है। जिंगर अजीत येड़ा है, अंधा नहीं है, अपनी बीवी को संभाल। ये लो ये तो यहाँ भटक रहा है। आ भाई दूल्हे राजा, शादी में क्यों नहीं बुलाया? दिल नहीं किया। चल ठीक है, पर रोड पे क्यों भटक रहा है तू? अमेरिका जा रहा हूँ। अजीत भाई मेरा धंधा तो चौपट कर दिया, पर अपनी पोली पत्नी की जिंदगी खराब मत कर। तू सचमुच शहर छोड़ के चला जा भाई। ओए इसीलिए मैंने तेरे को बुलाया नहीं। ये तो मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैं बिना बुलाया खाना भी खा के आ गया। खाना बिल्कुल तेरे जैसा था भाई। अबे सांड निकल तो लूंगी उतार दूंगा, चल भाग जा अमेरिका। आप कहाँ चले गए थे? टहलने गया था, चलते चलते थक गया, घर गया सो गया, उठा बाथरूम जाके नहा के फ्रेश होके आ गया। वैसे भी 6 बजे पहुंचना है ना, अपने पास बहुत टाइम है, टेंशन मत लो। ये लो, खुश रहो बेटा। आइए ना। जीजा जी मुझे भी पैर छूना पसंद नहीं है, ये सब पुरानी रस्में, इनकी क्या जरूरत है? वैसे भी इनकी दुआएं हमारे साथ तो रहती हैं हमेशा। अरे तुलसी तू भी छोड़ना, ये सब क्यों कर रही है? अरे किस्मत वालों को ही बड़ों की दुआ मिलती है। अगर जिंदगी को थोड़ा सीरियसली लोगी ना जीना आसान हो जाएगा, अगर हल्के में लोगी ना तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ समझ गई बेटा, खुश रहो। हाँ बोलो। ये दामाद के चेहरे पे इतनी अकड़ क्यों है? उसको और भी ज्यादा दहेज चाहिए, बोलो देते हो क्या? अच्छा लग रहा है, अकड़ बनी रहे। खुश रहो बेटी। जुक जुक जी। अरे तुलसी पहले बड़ों का आशीर्वाद दो। अरे नहीं 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 भाई के पैर नहीं छूते, शगुन समझ लो, हमेशा खुश रहो। अरे 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 बहने पैर नहीं पड़ती गले लगती हैं। अरे अरे पगली इतना रोना किस बात का? मैं बाबा भाई हम लोग सब तुझसे मिलने आया करेंगे ना। माँ से समझाओ। आ जाओ नाना नानी से आशीर्वाद ले लो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इंशाल्लाह खुश रहो। सलामत रखे। बाबा अंकल और आंटी और बाकी सभी बड़े बुजुर्ग मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कभी गलती से आप लोगों का दिल दुखाया हो। मैं किस्मत वाली हूँ कि आप लोगों का प्यार मिला। माँ मेरी अपनी माँ ने भी मुझे कभी इतने प्यार से नहीं पाला। आपका एहसान मानने के लिए मुझे एक जिंदगी कम पड़ेगी। मेरे भाई ने मेरे खातिर जितना सहा है उतना कोई नहीं सह सकता। चलो चलो देर हो रही है। मैं तुम्हें अपने बेटे को देख रहा हूँ, वो मरा नहीं है बेटा, अब भी जिंदा है। चल चल मार आगे बढ़ चल चल
कमाल कर दिया। देखा मेरे शेर को? छोड़ूंगा नहीं। कमाल की बात है कि ये लोग खेल को खेल की भावना से लेते हैं और हारने पर बुरा नहीं मानते। इन दोनों को बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, दोनों में गहरी दोस्ती है। ये लोग खेल के नाम पे धंधा कर रहे हैं, ये दोस्ती इनको एक न एक दिन महंगी पड़ेगी। देख कौन आया है। वापस आ गए। ये हिम्मत वाला है, इसे रखिए, ये तेरे लिए। ये लीजिए। अरे क्या कर रहा तू? अरे हासिल करना ही होगा दोस्त। अगर हमने शादी कर ली तो गांव में बवाल मच जाएगा। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दोस्त कुछ भी बोलेगा हम मान जाएंगे। समझा रहा हूँ ना, मान जा। रामेश्वर, दूसरे गांव से लड़की भगाकर या दंगा करवाएगा क्या? तुम्हारे किसी काम में कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है। ए, भाई इधर जाता है। बस बहुत हुआ। तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। सब ठीक हो जाएगा। चल हमें हराने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। बहुत ज्यादा अकड़ है तुझे। ए, अपनी औकात में रहकर बात किया कर। जूता निकाल के मारूंगा। ये क्या बोला रे? अरे छोड़ उसे, छोटी सी बात नहीं कर रहा है। तू बात को आगे मत बढ़ा। आगे ना बढ़ाऊं? छोड़ना, इनको तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। चल चल यहाँ से। हार ले गया तू, ये पैसे रख। उसी वक्त उसकी मौत है। छोड़ना सबको, ये पैसे रख। हाँ से कर। चल चल रख ले। आपको दो, ये ले दोस्त। कोई हरा नहीं सकता आप उनको। ए, चल तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। लड़का या लड़की? लड़का पैदा हुआ है। तो खुश हो जा। आजा बेटा, अभी इसकी जरूरत नहीं। अरे बैठ ना। क्या हुआ, सब ठीक है ना? चलो चलो चलो, आराम से। छुरी मैं ले लाती हूं। लग रहा है ये ले। चल इसे ले, राजा तू मेरे पास आ। पकड़ इसको, वरना मार दूंगा। मारा जैसे मारता है मुझे। धर्मा चल। भैया, किसी ने हमारे धर्मा को मार दिया। किसने? धर्मा मेरे भाई। ए, चल भाग। ए, 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 धर्मा, धर्मा मेरे भाई, ये क्या हो गया? ए, ए, धर्मा धर्मा ए, 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 ए,
सब बाहर ही सो गए। क्यों रे? मेरे घर के अंदर घुस गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? कोई है मेरी मदद करो। देखो ये कहां से आ गया। कौन है? कौन है? कौन है? क्या क्या कर रहा है? छोड़ो मेरे इधर वो। दोबारा यहां दिखाई ना तो जान से मार दूंगा। हट। भाग यहां से। दोबारा दिखाई मत देना। ए, तू कहां जा रहा है? दिमाग तो सही है ना तेरा? चुपचाप अंदर चल। सुनिए, इसे रख लो। ये कुछ पैसे हैं खर्चे के लिए, ले लो ना। चलता हूं। रामेश्वर। हाँ। सुना है कि हर चीज तुम दो दो खरीदते हो। जानते हैं, अगर मैं मरता तो धर्मा भी यही करता। बच्चों को ज्यादा मत डांटा करो, वो अपने आप ही सीख जाएंगे। अब तुम जाओ। उस घटना के बाद अक्सर रामेश्वर अपने दोस्त की पत्नी और उसके बच्चों का हाल लेने के लिए उसके घर जाने लगा। वो दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने। रामेश्वर को कुछ बोलेंगे नहीं आप? हाँ, भाभी भी कहाँ कुछ बोल रही हैं। पूरा गांव हमारा मजाक उड़ा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। पानी गर्म हो गया क्या? गांव वाले क्या बातें करते हैं आपको सुनाई नहीं देता क्या? क्या हुआ? अरे बापरे, मैं आपकी कसम खाकर कह रहा हूँ कि जैसा भी गांव वाले समझ रहे हैं, हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। पैसे से ही नहीं, लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताकर भी उनकी मदद की जा सकती है। हर रिश्ता गलत ही होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव वाले मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग मुझे गलत ना समझे इसलिए मैंने ये बात बताई। मैं सबकी बात क्यों सुनूं? मुझे आप पे विश्वास है, भरोसा है आप पर, इसलिए पूछा कि आपके कान तक ये बात पहुंची या नहीं। मैं बहुत पहले से ये सब सुनता आ रहा हूं। इतनी सी बात के लिए ढेर सारी मिर्ची क्यों जला दी? मिर्ची का भाव तुम्हें पता है? हमेशा अच्छे कपड़े पहन के ढंग से रहा करो। हाँ? पापा, खाना तैयार है। पापा मेरे पास आओ। तुलसी, तूने खाना खाया? हाँ। क्या खाया? दाल चावल पापा। चूहे फसलों को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। अरे अब क्या करें? अरुण को भेज देना। दुकान तक गया है। आए तो जल्दी भेज देना। ठीक है, भेज दूंगी। ए, सुनो बेटा। हा? तुम लोगों के खेतों में भी फेंसिंग लगानी है क्या? हाँ लगाते हैं। ए, जरा वो तार देना। ये ले। ए, इसे पकड़ और वहां जा। तू वहां पहुंच, मैं कनेक्शन लगाता हूँ। ये अरुण का बच्चा भी कहाँ रह गया? बस आने वाला होगा। हाँ। पता नहीं ये लड़का बिना बताए कहाँ चला जाता है। हाँ। चल टाइट से पकड़। हाँ, अच्छे से। हाँ, खींच और खींच। हाँ टाइट कर, उसे छोड़ दे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जा। ए बाबू, कोई आए तो आवाज दे। ठीक है, अभी मजा चखाते हैं। चल मार। हाँ, जोर से मार। हाँ, चल यहाँ से। हाँ, चलो चलो। अरे भगवान, मेरा बच्चा। अरे अरुण, जल्दी से पावर काटो, मेन स्विच ऑफ करो, जल्दी जल्दी कर। बेटा, मेरा बच्चा। जल्दी करो।
जल्दी से इनका दाह संस्कार कर दो, नहीं तो पुलिस केस बन जाएगा। जल्दी ले चलो इनको, जल्दी से ले चलो इससे पहले कि पुलिस आ जाए। चलो जल्दी उठाओ, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो सब जेल जाएंगे। चलो जल्दी करो, अरे उठो, चलो उठो, रोने धोने का टाइम नहीं है। हमने किसी को नहीं बताया, इधर उधर से लकड़ियां जमा की और रातों रात उनका दाह संस्कार कर दिया। पति और बेटे का गम तुलसी की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही महीनों में गुजर गई। शादी के बाद हमें तुलसी की ज्यादा फिक्र हो रही है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अभी यकीन नहीं हो रहा, मैंने सुना कि कल शादी में रोना धोना मचा, उसके अपने माँ बाप जिंदा होते वो भी इतना नहीं रोते। बिल्कुल सेंटिमेंटल एपिसोड जैसी। सारे रिश्तेदार हमारा ही मजाक उड़ा रहे हैं कि इतने करीबी होकर भी हम उनकी शादी में नहीं गए। हाँ, उसने आपका बहुत मजाक उड़ाया, छोड़ूंगी नहीं उसे। पापा जरा फोन दीजिए ना, भी बता ना, जाने दे। कोई फायदा नहीं। हाँ? हम लोग तुम्हारे यहाँ शादी में नहीं पहुँचे उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उल्टा सीधा बोलो, समझे? अरे शिकायत तुम्हारे माँ बाप से, तुमने तो फोन करके बहन को दुआएं भी दी और माफी भी मांगी थी। ओहो, उस दिन मेरे दिल ने कहा कि ये लड़की खरा सोना है। तुमसे बात करना ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सोचना भी प्यार है। सही है, मुझे तो लगा तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे। सोचा तो मैंने भी यही था, पर क्या करूं, मेरा प्यार सिर्फ निस्वार्थ नहीं बल्कि बड़ा ही बेशरम भी है। ए, तुम अपने बारे में क्या समझते हो? हाँ, मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, मुझे ज्यादा दिखाना आता है। सिर्फ एटीट्यूड क्या, तुम और कुछ भी दिखाना चाहो तो दिखा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा क्या है? लायक नहीं है, पर ससुर जी हुए। और मेरी माँ? मेरी सासू माँ। तुम्हें याद है मेरी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? चुल्लू भर पानी पिलाया है, बासी खाना खिलाया है, और जो खिलाते वक्त मुंह बनाया है वो अलग। अपनी बहन की शादी की खुशी में दावत रख रहा हूँ, सब लोग आ जाओ, पेट भर के खाओ, खाने का कर्ज चुकता। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो फिर झक मार के माननी पड़ेगी। सुनो ना, मैं बता नहीं सकता कि आज तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ और हम सब बहुत खुश हैं। ये पी के भी बहुत खुश है। मतलब वो गधा पी के भी वहाँ मौजूद है। तुम्हें कैसे पता? अरे उसकी जैसी अजीब हंसी किसी की हो ही नहीं सकती है। आप सो नहीं रहे बाबा? तू इतनी जोर से बात करेगा तो मैं कैसे सोऊंगा? अरे वो पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए उसे हंस हंस के फोन पे खरी खोटी सुना रही है। ये रिश्तेदार भी बड़ी अजीब चीज होते हैं, नहीं? कभी छप्पर फाड़ के खुशी देते हैं, कभी दिल तोड़ के मायूस करते हैं। ठीक है, तू रिश्तेदारों को दावत कब दे रहा है बेटा? बाबा पहले तुलसी को और उसके पति को तो दावत दे देने दीजिए। माँ आप तैयार नहीं हुई? बाबा अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, एक बहू होने के नाते मैं घर में दो किचन नहीं रहने दूंगी। चलिए तैयार हो जाइए, हमें अपने भाई के घर जाना है। चलिए उठिए उठिए, अब क्या कर रहे हैं, उठिए ना। अरे कैसे काकी? अब हम चलें? हाँ चलते हैं। मुझसे शादी करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा, इसीलिए मैं तुम्हारा ऐसा ख्याल रखूंगा जैसा तुम्हारे भाई ने भी नहीं रखा होगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे भाई जैसा मेरा ख्याल आप रख पाएंगे। हाँ भाई। हेलो तुलसी, अरे कहाँ रह गई? बस निकल रहे हैं भाई। ठीक है ठीक है, जल्दी आ। एक ही पिटीशन में आपका सारा काम। पांडे भाई क्या टाइम पास कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप लोग ठीक है जल्दी आ जाओ। अरे आप ये कहाँ जा रहे हैं, ये गलत रास्ता है। तो क्या खाली हाथ जाएं? बाबूजी तुलसी और जीजा जी कहाँ पर हैं? वो लोग तो आधे घंटे पहले ही निकल गए थे। अच्छा ये बैठिए। नमस्ते। वेलकम सर। आपको तुलसी? हाँ कहिए। तुम्हें जो चाहिए और तुम्हारे भाई को जो पसंद है सब ले। मैं देखता हूँ। अरुण सुन। जी चाचा जी। वो मिश्रा जी बता रहे थे अभी तक तूने सूद का पैसा नहीं दिया। बस दावत हो जाए फिर दे दूंगा चाचा जी। मेरा नाम खराब मत करना। ये आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं? रिश्ते में ये तुम्हारे भाई जैसा ही है, लेकिन सगा थोड़ी ना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फोन नहीं मुसीबत है। अरे वाह, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे कुछ नहीं, आपके यहाँ दावत खाने के लिए आए।
ए छोटे कैसा है तू तो बड़ा हो गया। हाँ तो गया किस पे? शेर का बेटा शेर। ए तेरा पापा कहाँ? आते होंगे। दादाजी आपको भूख लगी है? छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ बोलो। तुम्हारा जो बहनोई है ना वो अपने दोस्त के घर पे और तुम्हारी दावत में नहीं आने वाला। ये तुमसे किसने कहा? मैं कलेक्टर हूँ, सब पता रहता है मुझे। क्यों भाई, अपनी बहन और जीजा को बुलाया है ना तूने? कितना इंतजार कराएगा सबको? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अबे भूख लग रहा है। ए दीपक। हाँ। सबसे कहो कि जाके खाना खा ले। हाँ चलिए सब खाना खा लीजिए। शर्मिंदा मत हो बेटा। तुलसी। क्या है माँ, आप लोग परेशान होकर यहाँ क्यों आ गए हैं? दामाद जी को हमारे यहाँ आते शर्म आती है ना? उसे कोई शर्म नहीं आ रही है। बिल्कुल बेशरम है। अच्छा ठीक है, तू ही खा लेना, इसे खाना तो माँ। अरे कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, हम खाना लाए थे आपके लिए। जीजा जी कहाँ हैं? अंदर ही। सुना किसी दोस्त की दावत पे गए थे। वापस आ गए बेटा। जीजा जी, जीजा जी, पापा जी दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हैं? लगता है जीजा जी सो रहे हैं। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। देख रहा है छोटू, जीजा जी कितना बड़ा घर बनवा रहे हैं। तुलसी इसी में रहने वाली है। आइए सासु माँ। कैसे हो बेटा? कैसे हो फूफा जी? सोने की एक्टिंग कर रहे थे ना? खाना लाई थी, खा लो बेटा। खाना भी खा लिया और हाथ भी धो लिया। और बोलिए। नमस्ते जीजा जी। क्या तुलसी, अभी तक तूने खाना नहीं खिलाया? बहुत गलत बात है। जीजा जी इस तरह बुलाने पर ये कभी नहीं आते। पपी 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 आ जा। आ गया शाबाश, जा अपने मालिक के पास जा। प्यार से बुलाइए ना फूफा जी। ए खाना आ गया, खाएगा? ऐसे ये घर का ही खाना खाता है। तुलसी जीजा जी से कहो ये घर जल्दी पूरा कर लें, और अगर पैसों की जरूरत है तो बोल दें, इंतजाम हो जाएगा। तुलसी कल हम लोग चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं, खाने भी बुलाया है। और कोई काम नहीं है क्या इनके पास? ए, चुप कर, कहीं भी कुछ भी बोलता। तुलसी भाई कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही है, नहीं लगता है इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। माँ भाई को डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। नमक के नाम पे हम सब केमिकल ही तो खा रहे हैं। कच्चा नमक या फिर सेंधा नमक, वही सेहत के लिए अच्छा है, वही खाना शुरू कर दे। ठीक है चलो चलते हैं। आओ माँ चलते। कागी बेचारी लड़कियों पे बहुत अत्याचार होता है ना माँ? शायद हर दामाद ऐसा नहीं होता बेटा, तुमसे तो ढंग से बात भी नहीं की। अरे तुमसे तो बात की ना माँ, इतना काफी है। अच्छी तरह ख्याल रखना इसका। तुलसी को भी खिलाओ। इनको देख रहा हूँ तो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं मुझे। तो फिर तुम्हारे साले ने क्या कहा? कह रहा था पैसा देगा, घर जल्दी से बनवा लो। आज तुम्हें पैसा देगा और कल उसके बदले में बार बार तुम पर एहसान जताएगा। मैं मर गया हूँ क्या जो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई और तुम्हें पैसा दे? ऐसे क्यों कह रहे हैं चाचा जी? जो सही है वही बोल रहा हूँ। तुम उससे पैसा लेकर अपना घर कैसे बना सकते हो? देखता हूँ थोड़ा सोना बेचकर तुम्हारे लिए 5 लाख का इंतजाम करता हूँ। चाचा पैसे की मारामारी चल रही है, जिन्होंने प्लॉट के लिए पैसे डाले वो भी आपसे मांग रहे हैं, मुझे मदद नहीं चाहिए। और इन हालात का जिम्मेदार तुम्हारा साला है और कोई नहीं। मेरा अपना बच्चा तो है नहीं, मेरे वारिस तो बस तुम ही हो। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं अपनी वसीयत बनवाऊंगा जिसमें सब कुछ मैं तुम्हारे नाम ही कर दूंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, तुम घर का काम शुरू कर दो। सुन ये ले। हाँ। जल्दी से काम खत्म कर, 2 महीने में गृह प्रवेश करना है। तो अपने चाचा की वजह से मुझसे शादी की थी, तो ये सब आपकी प्लानिंग थी? ना ना ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कह दिया, गलत किया क्या? ए तुलसी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम्हारे भाई से उतना ही नफरत। जरा बता तू उसे पसंद क्यों नहीं करता? हाँ इन्हीं से पूछिए क्या प्रॉब्लम है इन्हें। मुझे बताइए आप दोनों के बीच की दुश्मनी कैसे खत्म की जाए? अच्छा ठीक है, तुम्हारे भाई की वजह से मेरे चाचा को करोड़ों का नुकसान हुआ है, उसे कहो चाचा से मिले और मामला सुलझाए। जब देखो भैया भैया भैया। पहले लोग आते थे तो इज्जत के साथ मेरे पैर छूते थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते थे कि भाई मुझे भी एक प्लॉट दे दो, लेकिन आज वही लोग मेरे पास आते और अकड़ में बोलते हैं कि मेरा पैसा मुझे वापस करो। अब या तो मैं भाग जाऊं या फिर इस हॉल को बेचकर सबका कर्जा उतारूं,
अगर तुमने केस वापस लिया तो सबका भला होगा। ये तो करना बहुत मुश्किल है, इसके अलावा कोई सेवा है तो बताइए, कर देंगे। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा, मैं तुम्हें प्रॉफिट में शेयर भी दूंगा। एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो सबके लिए अच्छा है ना। दादाजी चोरी छुपे सुन रहे थे। ए, तुझे किसने कहा था आने के लिए? हाँ? शैतान मंडली अंदर थी। वैसे मैंने कहा था ना पिटीशन वापस लेने के लिए, मेरी बाकी कोई इज्जत है या नहीं है? वो पिटीशन हमने बहुत पहले फाइल की थी लेकिन उसका जजमेंट हाल ही में आया है। अरुण, हमसे ज्यादा तो वो परेशान है जिन्होंने जमीन खरीदी थी, उनकी मेहनत की कमाई का पैसा था। हाँ, पता चला काका, आपने दो प्लॉट खरीदे हैं आंटी के नाम पे या किसी और का नाम, तुझे कुछ नहीं पता। ठीक है पिटीशन वापस ले। अब तो अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, हम लोग चाके भी कुछ कर नहीं सकते हैं ताऊजी। अरुण, तुलसी इनके परिवार में है, ये मत भूल। जीजा जी हैं, मैं हूँ, सब मिलके ख्याल रखेंगे। जो आदमी जमीन का बंटवारा करता है ना, उसकी जिंदगी भी बढ़ जाती है। ये नान खटाई अच्छी है। अब आप बोलिए, इनके साथ मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब इसमें नहीं पढ़ूंगा, आपको जो करना है कीजिए। ये पैसे जमा रहने दीजिए। हाँ, मैं चलता हूँ। ठीक है। ये संभाल बेटा। तुलसी बेटा, क्या हुआ, तू ऐसे बिना बताए अचानक कैसे चली आई? कुछ नहीं माँ, बता ना बेटा। मैं समझ गई हूँ कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता था। वो तुमसे बदला लेना चाहता है और अपने चाचा को खुश करना चाहता है। जब मैंने कहा ये गलत है तो मुझे मारने दौड़ा। और फिर उसकी माँ ने बीच में रोक दिया। इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? घर पर। चल। जाने दो ना भाई। बोला ना, चल मेरे साथ, चल। बेटा क्या हुआ भाई? पांडे बात सुन, तुलसी के घर में झगड़ा हुआ है, उसका पति उसे मारने वाला था। क्या? जल्दी जा। तुलसी को मारा? जा रहा हूं पापा। तुलसी दीदी के घर जा रहे। आजा आजा। हाँ, ये बैट काम आ जाएगा। जिसने मेरी बहन को हाथ लगाया उसको छोड़ूंगा नहीं। आजा। साहब मैं कस्टमर हूँ। अरे तुझे छोड़ के हमें कष्ट होगा, चल। ए पांडो। अरे सुन बेटा, तेरी बीवी अपने भाई को लेकर आई है। भगा भगा, जल्दी भगा मेरे भाई। आंटी। हाँ बेटा। जब समझाने के लिए बड़े लोग हैं तो मेरी बहन घर कैसे आ गई? प्यार से समझा देते। तुलसी चल अपने घर पे जा, और दोबारा तुमसे ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। दुश्मन भागने ना पाए, गेट बंद कर। ये तो पलटन लेकर आ गया। तुलसी छोटे मोटे झगड़े कहाँ पे नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी कि घर छोड़ दो। एक और बात, ससुराल में रह के मायके के गुण कभी नहीं गाते हैं। ये तुम्हारे अपने हैं और इनकी छत तुम्हारी दुनिया। ये क्या सीन है, मैं मारने के लिए बैट लेकर आया और ये तो पाठ पढ़ा रहा है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आमने सामने बैठ के आराम से ना सुलझाया जा सके, लेकिन क्या करें, लोगों में बात करने की समझ ही नहीं है। सही कहा ना बाबूजी? सही कहा बेटा, सही कहा बेटा। बाबा बाबा बाबा, अंदर आ जाओ बेटा। नहीं नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा। तुलसी पता है, जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। इसमें हर तरह के उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेंगे, हालातों से भागने से अच्छा उनका सामना करो तो सब सही हो जाता है। और ये बात सिर्फ लड़कियों पर नहीं, लड़कों पे भी लागू होती है। वाह क्या बोला है, सब एक साथ सुधर गए। जीजा जी, तुलसी बच्ची है, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और आपके अंकल का भी मैंने अनजाने में नुकसान किया। एक्शन हीरो इमोशनल बातें कर रहा है। इसने तो दो नाले निकाल ले, हथियार छुपाओ सिपाहियों। माँ जी, आज से मेरी बहन तुलसी सिर्फ आपकी बहू नहीं बेटी भी है। अरे चल जा, चलता हूँ माँ जी। ठीक है बाबू जी। ठीक है बेटा। ये क्या हमारी तरफ निशाना? अरे नहीं दामाजी, हमें मत मारिए, गलत जगह पर लग जाएगी दामाजी। ओए, तेरे को जानबूझ के जाने दिया। जीजा जी, आज तो आप बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हैं, आपका ये रूप मैंने कभी देखा नहीं था, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। वो लोग हमें कुछ उल्टा सीधा कहने या करने पर मजबूर करना चाहते हैं, आज घुमा फिरा के समझाया तो है, उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुलसी से इस बारे में पंचायत मत करना, दुखी हो जाएगी। मैं इनसेंसिटिव नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, अब चलता हूँ, वरना बेकाबू हो गया तो तुम्हें उठा के सीधा खेतों में ले जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल ले तो तुम लोग पागल हो गए। हाँ चंद्रिका, क्या हुआ? मैंने देखा कि तुम बड़ी तेजी से घर वापस जा रही थी। ऐसा क्या? ठीक है, अगली बार मैं धीरे धीरे घर जाऊंगी। देखो तुलसी, तुम्हारा भाई मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है, वो बचपन से ही तुम्हारी वजह से काफी सारी दिक्कतें झेलता आ रहा है,
तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। मुश्किल कितनी भी हो तुम्हें हमेशा भरोसा रखना। ठीक है बस बहुत हुआ, मैं ख्याल रख लूंगी। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। पर ये बात अपने भाई के साथ डिस्कस मत करना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए एक सलाह देना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि तुम कलेक्टर बनने का सपना देखकर बेवजह अपना समय बर्बाद कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम कलेक्टर बन ही नहीं सकती। इसीलिए अच्छा होगा कि मेरे भाई से शादी करके अपनी जिंदगी सेटल कर लो। ये बात मैं नहीं कह रही, ये तुम्हारे पार्टनर ने कहा है, क्योंकि मुझे भी तुम दोनों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। ठीक है, फोन रखो। ये वाली बात मेरे भाई से मत कहना। रखो। हेलो पार्टनर। तो मतलब मैं कभी कलेक्टर नहीं बन सकती? क्या कहा? ऐसा गलती से भी मत कहना, मेरा छोटा सा दिल टूट जाएगा। एक्टिंग मत करो, मैंने सुना तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। क्या ये बात तुम्हें किसने बोली? हाँ तुम्हारी बहन ने। लेके तुलसी का ही फोन आ रहा है, तुम कुछ बोलना मत, सिर्फ बातें सुनती जाना। ओके नारी शक्ति में फंस गया। अब कैसी है तुलसी? मैं जानती हूँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरी हर बात उसे बताने की जरूरत क्या है? हाँ उसको और मेरा वैसे भी कोई मुकाबला नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे बारे में ऐसे बात मत ही करो तो अच्छा है। ओ तो तुमने कॉन्फ्रेंस कॉल की हुई है। ए अगर मेरा बस चले ना तो तेरी शादी अपने भाई से होने ही ना दूं। पागल कहीं की। मैं पागल? तुमसे तो बाद में निपटूंगी, पहले तुम बताओ कि मेरे कलेक्टर बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा कहा था या नहीं? नहीं तुलसी, मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? कुछ दिन पहले ही तो कहा था तुमने, जब पांडे भी हमारे साथ था। अच्छा उस दिन की बात। अरे तो ऐसा बोलना, वो कुछ कह रहा था कि वो कलेक्टर का कंपाउंडर भी नहीं बन सकती है। रुको। कैसी हो कलेक्टर मैडम? क्यों फोन किया? है। तुमने कहा था कि मैं कलेक्टर नहीं बन सकती? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने सुना कि तुमने ऐसा कहा। अरे तुम कलेक्टर बनो तो फायदा तो मुझे ही होगा ना, ये तो छोटा भाई बोल रहा था। ए भाई, तुम भूल गए, तुमने बोला था। ये भी सुन रहा है क्या? शायद तुलसी ने कहा था, है ना? पांडे भैया मैं भी हूँ लाइन पे। पूरा खानदान फोन। भैया ने तो बोला था ना। और किसका नाम ले सकता हूँ? पहले ये बताओ और कौन कौन लाइन पर है, उसके बाद मैं याद करके बताता हूँ। किसी और से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अब जाने भी दो ना पार्टनर। क्या बात है, मेडल मिलना चाहिए। अरे परीक्षा में फेल हो गई थी और मुझे बताया तक नहीं, इसलिए गुस्से में मेरे मुंह से वो सब निकल गया। और सोचा नहीं था इतनी सी बात का बतंगड़ बना देगी, पर अब तो तुम मेरे लिए सबसे ऊपर हो। पता नहीं कौन से लेवल पर ऊपर। शट अप, तू जा यहां से। ओ ओ पार्टनर, मैंने तुम्हारा नंबर चंद्रिका आईएएस के नाम से सेव किया। वाह क्या बात है भाई। चलो अच्छा है तुम मुझे इम्पोर्टेंस देते हो। हेलो हेलो, हम अभी भी लाइन पर है, सुनाई दे रहा है। तो सुन क्यों रहे हो, कॉल काट क्यों नहीं देते? ठीक है मैं काटता हूँ ये खचाक। दोनों एक से बढ़कर एक है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं गुड्डू के घर दूध देने जा रहा हूँ। तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। ओके ठीक है, गुड बाय। बहना तू भी काट दे, आ जाऊँ तुम्हारे पास। अगर आप गृह प्रवेश में मेरे भाई को नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं, बस आपके माँ बाप और आपके चाचा बहुत होंगे। ए, मैंने ये घर अपनी मेहनत की कमाई से बनाया, तो इसका उद्घाटन भी शानदार होना चाहिए। तो फिर मेरे भाई को बुलाने में क्या दिक्कत है? नहीं बुलाऊंगा, घर के लिए आप शगुन है वो। इस घर का काम पिछले 4 साल से रुका पड़ा था और आपके चाचा ने भी उस वक्त आपकी कोई मदद नहीं की थी। जब मेरे भाई ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए तब जाके दिए। सुन, मेरे चाचा चाहते हैं तभी उन्होंने ये घर बनाया, इसमें तेरा भी कोई हक नहीं। क्या? तब तो मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। ठीक है जा, जो चाहे कर ले। उसने अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो यहाँ से बेइज्जत होकर जाएगा, याद रख। हद है। जब देखो भैया भैया। क्या आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते? सुन, अपने मामा को फोन कर जरा। हाँ फोन करो जरा। फोन करो। हाँ बोल बे। मैं बोल रहा हूँ। भैया बोलिए ना। तुम्हें तुलसी के गृह प्रवेश का कोई इन्विटेशन मिला क्या? अरुण आया, कहता मैं चलना चाहिए। नहीं नहीं भैया, वो नहीं चाहते कि हम वहाँ जाएं। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया है, बस हमें नहीं बुलाया। अरुण की बेइज्जती जो करना चाहते हैं। वो तो ऐसे अकड़ रहा है जैसे उसने कोई महल बनाया है। रखे अपना घर अपने पास, मैं नहीं जाने वाला उसके यहाँ। अरे अच्छा है ना भैया, वहाँ जाएंगे तो कुछ गिफ्ट लेकर देना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, आने जाने का खर्च भी बचेगा। अच्छा है, सारे रिश्तेदारों को बोल दो कोई भी उसके आना जाए। बोल दूंगा। हमें एकता होनी चाहिए। ताऊ जी। हाँ एकता होनी चाहिए। हाँ मैं सबसे कह दूंगा। अरुण है क्या वहाँ पर? क्या रे मिश्रा जी को सूद का पेमेंट किया? तुलसी के गृह प्रवेश के बाद कर दूंगा। जल्दी से कर दो, बार बार वो मुझे फोन कर रहे हैं। ताऊ जी हम नहीं गए तो फिर वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे,
और ये रीत बन गए तो मिलना जुलना बंद हो जाएगा। हाँ बंद हो जाएगा। चलो ना ताऊ जी, वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती करवा लो, यही चाहता है, हम में से कोई नहीं जाएगा वहाँ। हम चुपके से पूजा में जाके अपना फर्ज निभा आएंगे बेटा। हम वहाँ चोरी छिपे क्यों जाएंगे माँ, हमने कोई गलत काम किया है क्या? तुम्हारे ताऊ जी अगर रिश्तेदारों को मना कर देंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उस पूजा में जाने की। तो अपने साथ इन सारे मजदूरों को ले चलते हैं, कम से कम ये हमारे साथ हमेशा खड़े तो रहते हैं। बेटा मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। और आपके पीछे पीछे हम सब चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा शगुन है। अभी खाना खा लें। सबका ध्यान रखना। हाँ हाँ रखूंगा ना। बेशर्मी की भी हद होती है। आइए, नमस्ते। नमस्ते। अरे भैया, माँ आप? नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? तुमने तो कहा था कि तुमने इन लोगों को इनवाइट नहीं किया। मैंने इनवाइट नहीं किया, बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आए। अब देखो क्या करता हूँ। जो भी करना मेरे जाने के बाद करना। ये क्या चाचा जी, आप कहाँ चल दिए? आज का दिन बहुत शुभ है, इसलिए पार्टी मैरिज हॉल का एडवांस देने के लिए तैयार हुई है। मिलते हैं भाई। अरे रहने दो माँ। तेरा घर तो एकदम चकाचक लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम आ पाओगे, और मैं किस मुंह से तुम्हें यहाँ का न्योता देती। मैंने तो फोन पे मना कर दिया था यहाँ आने के लिए। अपनी बहन से मिलने के लिए दावत की जरूरत थोड़ी होती है पगली। कैसे है भाई साहब? माजी ठीक है ना? अरे तुलसी चाय पानी तो पूछो बेटा। प्रकाश यहाँ बैठो। देखो बेटा ऐसा मत करो, इस मंगल कार्य में तुम लड़ाई झगड़ा करके माहौल को मत बिगाड़ो। चलो भाई हा? खाना खा लो। अरे नहीं, वहाँ से निकलने से पहले खा के निकले थे, अगली बार आऊंगा ना तो तेरे हाथों का खाना पेट भर के खाऊंगा। बाबा आप तो खाना खा लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी खा लेंगे, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। मेरे पति की हरकतों को नजरअंदाज कर दो। वो भले हमें कितना भी नापसंद कर ले पर हम उनकी इज्जत करना नहीं छोड़ सकते। अरे रो के विदा नहीं करते पगली, मुस्कुरा के करते। अच्छा खुश रहना। उस आदमी को कोई नहीं हरा सकता जो रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और बता। अरे मूड खराब है उसका, तू वापस चला जा। सॉरी भाई मैं आ नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं भाई। दादाजी आप वहाँ तक क्यों गए? हाँ गृह प्रवेश में जाने के लिए मना किया था, फिर वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा के आए? आपकी छोटी मोटी कमाई से ये घर नहीं चल सकता है समझे? अगर हमारे साथ रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो जाइए यहाँ से। ताई जी रोकिए ना दादाजी को। जाने दो उन्हें, वैसे भी वो अरुण की फैमिली से हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा रुक जाइए, अरे रुक जाइए, चल रहे गया नहीं, बाबा के लिए वेट कर रहा था। सब समझता हूँ मैं, इस उम्र में जोश की कोई कमी नहीं। देख लेना मैं भी आपको ऐसे ही घर से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा शेर बोला। चाचा जी ऐसे हालात में मैं आपसे आपका मैरिज हॉल खरीद रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा। बधाई हो तुम्हें, मैं चलता हूँ। कल ठीक है, लो इसे गिन लो और हाँ। जमा कर दो, तुम्हारी शादी में खर्च करने में काम आएगा। वो सब भूल जाइए बाबा। क्या क्या हुआ, रिश्ता टूट गया? अरे नहीं बाबा, चंद्रिका के साथ तो सब कुछ सही है, और उसका खास नेला बाप नहीं मानेगा। हेलो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। आपके जीजा ने आपकी बहन को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। क्या बोला? सच कह रहा हूँ भाई, वो लोग उसे अभी हॉस्पिटल लेकर गए। कौन से हॉस्पिटल में? तुलसी नाम की मरीज किस रूम में एडमिट है? देख के बताती हूँ। ए, तुलसी तो यहाँ पर नहीं है। गलती हो गई भाई, वो लोग उसे जानकी हॉस्पिटल ले गए हैं। ए, सच सच बता। मैं सच कह रहा हूँ भाई। क्या किया तूने तुलसी के साथ? घूम के आया ना। बधाई हो, तू मामा बनने वाला है। भाई
मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। अरे इसे कब का मैसेज मिल गया है? अच्छा ऐसी बात है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब तीसरी जिम्मेदारी आने वाली है। तो मैंने चाचा से पूछा, वो कह रहे थे ये बच्चा बच्चा किस लिए। भाई तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहे थे कि लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, लड़की होगी तो क्या रखेंगे। तो अब तुम बताओ कि तुम शादी कब कर रहे हो? हाँ अरे उसको भी बहुत वक्त है। मामा जी मुबारक हो आपको। मामी जी आपको भी मुबारक हो। जानते नहीं हो घर से कैसे छुप कर आई हूँ मैं। कौन सा टाइम पे आई हो, लेट ही तो आई हो। सुनो जब लड़की लेट आए तो नाराज नहीं होते। और हाँ दूसरी बात, उसे इंतजार भी कभी नहीं करवाते, समझ गए ना? समझ रहा हूँ सब समझ रहा। तुम्हें मेरा गुस्सा भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। और अगर तुम्हारी माँ मुझसे खुश नहीं है तो उन्हें समझाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी तो मुझे पैसे देने होंगे। पैसे देने की नौबत तब आएगी जब शॉपिंग पे जाने दूंगा। हाँ ठीक है। और लिपस्टिक पे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। आज तक कभी किया जो आगे करूंगा। गुड। और तुम मेरा लास्ट सीन देखकर मुझसे कभी बहस नहीं करोगे। अगर तुम अपना लास्ट सीन स्टेटस ऑफ रखोगी तब भी कुछ नहीं पूछूंगा। मेरी लाइफ सेट है। और अगर हम बाहर हो और हैंडबैग उठाना हो तो शर्म नहीं आनी चाहिए। अरे ये तो अभी से उठाया हुआ है, ये भी ओके। और फोर्स मत करना कि तुम्हारे दोस्तों को मैं भाई कहकर बुलाऊं। ठीक है। और मैं तुम्हारे सारे दोस्तों के साथ अच्छे से ही रहूंगी। ये तो डबल ठीक है। क्या मतलब? अब क्या ये बात नहीं माननी थी? क्या तुम हर चीज के लिए तैयार हो जाओगे? हर चीज के लिए तुम बस हुकुम दिया करो मुझे। अब ये सब छोड़ो और अपने एग्जाम पर ध्यान दो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सारे एग्जाम पास करोगी और कलेक्टर बनोगी। उसके बाद भी अगर तुम्हें अपना करियर बनाने के लिए वक्त चाहिए होगा तो मैं इंतजार करूंगा। मुझे पहले कलेक्टर बनना है, अगर कलेक्टर बनी तभी तुमसे शादी करूंगी। तुलसी के लिए हमें इतना तो करना ही चाहिए ना, वैसे भी उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मुझे चल तुझे लेके देता हूँ। अरे बुआ। हाँ तुलसी कैसे हो भाई? क्या हो गया? कुछ नहीं भाई बस। ये चेहरा क्यों सूजा हुआ है? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाऊंगी। क्या हुआ तुलसी? कुछ नहीं हुआ। तो मुंह लटका के क्यों बैठी है? मैं तुम्हारी तरह खुश नहीं रह सकती ना, मुझे हंसना है रोना है और अगर कोई दुख भी हो तो बिना कोई शिकायत किए सो जाना है, क्योंकि मैं एक औरत जो हूँ सिर्फ एक कठपुतली हूँ। हम औरतों को कठपुतली नहीं देवी मानते हैं, मुंह क्यों छुपा रही है? तेरा चेहरा सूजा हुआ क्यों है? कुछ नहीं बस ऐसे ही, मैं अपने सारे दुखों को छुपा कर बस यहाँ किसी तरह रह रही हूँ। तुमने मुझे मना किया था लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। चुप कर। माँ जी मुझे बताइए सच क्या है? वो बेटा पूछ रहा है तो बताओ ना। कौन हो तुम लोग? मैडम तीन क्वार्टर लेके आओ। तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हैं? अरे पीने आए और क्या। दुकान तो 12 बजे तक खुली रहती है, हमने सोचा यहीं से ले लेते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं माँ? अगर तुम लोग दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो मैं सिर फोड़ दूंगी। एक तो दारू बेचती है, ऊपर से इतनी अकड़ दिखा रही है। ए, चल यहाँ से शिवा के चलते हैं। चलो। ये सब क्या हो रहा है माँ? शराब कहाँ रखी हुई है बताओ ना मुझे। ये क्या है? सर मेरी बहू को छोड़ दीजिए, ये पेट से है, इसे जाने दीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, इसकी गलती नहीं है, ये मेरा है, इसे मुझे दे दो। तुलसी दे दो बेटा। मेरे भाई ने इसीलिए मुझे समझाया था, गंदा काम करता शर्म नहीं आती? अपने जन्म को लेकर तुझे शर्म नहीं आती? मेरे जन्म को लेकर कोई भी उल्टी सीधी बातें मत करना सर। चुप। लड़की को बहू क्या बना लिया, उसकी जिंदगी के साथ खेलने लगे। ये क्या कर रहा है? आ मार। अरे अपने जीजा को क्यों मार रहा है? अरे आजा। अरे रुक जा भाई, ये क्या कर रहा है? तेरी गलतियों को नजरअंदाज करता रहा, इसका गलत फायदा उठाया तूने? क्या कर रहे हो? आपस में लड़ रहे हो? रुक जा। अरे 12 बज गए, अब तक दुकान नहीं खुली है, अंदर कचरा साफ हो रहा है, ये सब करने का यही वक्त मिला क्या? जो औरत तुझे औलाद देने वाली है उसी पे हाथ उठाया तूने, नामर्द। अरे चुप कर। मैंने अपनी बहन को शांत रहने के लिए कहा था, जुल्म सहने के लिए नहीं। तुझे हमारी इज्जत उतारने का बड़ा शौक है ना? मत करूं हद मेरे। तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी बहन का सुहाग है।
हाँ, अब अपना प्लान बता, बदला कैसे लेना है? मुझे लगता है बदला लेने से पहले ये खुद ही मर जाएगा। लीवर तो गया इसका। ये कार है कि जहाज है? अच्छा ये है, पर ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? आओ भाई आओ, इसके जख्मों पे मलम लगाने आए हो? रखो तशरीफ। ए, ये सुबह सुबह क्यों लगा रहे हो? ऐसे ही। बड़े भाई, ये जिंदगी में पहली बार शराब पी रहा है, सोचो इसको कितना संवार के मारा होगा उसने। अबे तू हर समय नौटंकी मत किया कर, एक तो पहले से ही बेचारे के साले ने मार मार कर इसकी धोती फाड़ दी है, और तू उसका मजाक उड़ा रहा है? हैं? सिर्फ धोती नहीं फाड़ी, मार मार के इसका कच्छा भी फाड़ दिया उसने। ओए, इस पर क्यों चिल्ला रहा है? ये जो कुछ भी कह रहा है सची तो कह रहा है। ए, बहुत गुस्से में हूँ, निकल जाए यहाँ से। ओए, यार अपना गुस्सा इस पे क्यों उतार रहा है? इसकी तो शक्ल ही गरीबों जैसी है। तो किसको गरीब बोला? बैठ बैठो आराम से। तू मेरी बात सुन, यहाँ चुप बैठने के लिए नहीं आया हूँ, तेरे साले की अच्छे से ठुकाई करेंगे, तू चल मेरे साथ। ए, बड़ा है मदद करने, चल निकल रहा है तेरी तो। ए, इधर देख ना, बोला ना, इधर देख, तेरे चाचा की सारी प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, मुसीबत से बाहर निकलने की औकात नहीं थी उसकी, और तू मुझसे कह रहा है कि मैं बाहर निकल जाऊँ? अच्छा तो तू यहाँ मेरी बेइज्जती करने आया? आखिरी बार कह रहा हूँ चला जा। इतनी अकड़ किसको दिखा रहा है? एक तो तेरे साले ने मार मार के तेरी धोती फाड़ दी। हाँ, मर्द का बच्चा है तो जाके मार उसे, ऊपर से मुझसे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ए, मुझसे अकड़ के बात करेगा तो तेरा ये बार बचेगा क्या? अब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी जगह है, मेरा बार है, चल निकल यहाँ से, निकल, बोला ना। भाई उठो, भाई के कान से खून निकल रहा है। भाई 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 उठो, क्या तुम ठीक हो? ए राणा, उठ जा भाई, राणा उठ जा भाई, उठो भाई, तुमने राणा भाई को मार दिया। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से मारा भाई, तुमने राणा भाई को मार दिया। हाँ बोल चाचा जी, मैंने अनजाने में राणा को मार दिया। अरे पर तुम मुझे क्यों फोन कर रहा है? मुझे भी मरवाएगा क्या? पुलिस स्टेशन जा और खुद को सरेंडर कर। तुलसी, राणा मर गया है, तुलसी मेरा से जानबूझकर नहीं मारा। क्या कहा? हाँ तुलसी, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन पहुँचे उसे खत्म कर डाल। भाई वो लोग तुम्हारे बहनों ही को मारने वाले हैं, सब उसकी जान के पीछे पड़े हैं। फिक्र मत कर, कुछ करता हूँ। भैया को चलो ढूंढो उसे, यही कहीं होगा। हेलो जीजा जी, जीजा जी। हेलो साले साहब, कहाँ हो आप? मैं हाईवे के पास मक्के के खेत में छुपा हुआ हूँ। मेरे पाप का घड़ा भर गया है, मर जाऊंगा। वहीं छुपे रहो, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आओ। ये क्या छिपा है? तेरी तो, उस तरफ से पीछे करो उसका, जाने मत देना। देखो बात करके मामला सुलझ सकता है, मार काट की जरूरत नहीं है। हमें कोई बात नहीं कर रही, आज तो ये मरेगा। मैं इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, इनको इनके किए की सजा कानून देगा। ये यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, Thank you.
छोड़ना मत इसको। आगे आ रहे, आगे आया। अरे सुनो, मैं कसम खाता हूं मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। भैया छोड़ेंगे नहीं उन दोनों को। भैया तुम अकेले नहीं जाओगे, यही रोने की आवाज उसके घर पर भी होगी। चलो रे, चलो। तेरा पोता कहाँ है? Hey, कौन है? वो बुजदिल अंदर होगा, बाहर निकाल उसे। Hey, रुक, गाड़ी रुक। Hey, बाहर निकल बुजदिल। पीछे जाके देख। जा जा जल्दी जा। मेरे टॉर्च ले। एक बात सुन ले, मेरे चीजा की चिता चलने से पहले तेरे पोते का सर कटेगा। तेरा भाई का बेटा कहाँ है? ए, तुम लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हो? उसे जाकर पूछो। मुझे वो चाहिए अभी। चुप कर, तुम्हारा भाई राणा हमारा भी दोस्त था। अरुण वरुण कोई नहीं है यहाँ, मिलने पर जो करना कर लेना। जा। कसम लेता हूँ मैं, उसकी जान लेने के बाद ही अपने भाई की चिता जलाऊंगा। ठीक है, अपने आदमी को लेकर निकल जा। कहाँ छुपाए तू? भाई राणा के लोग तुझे ढूंढते हुए घर आए थे, उन लोगों ने बाबू को धक्का भी दे दिया। जरा अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना भाई, ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना? मत बेटा, ठीक हो जाएगा। चार पांच लोग आए और मुझे धक्का दे दिया चाचू। क्यों रे, हम जिंदा हैं या मर गए ये देखने आए हो?
मैं तो चुप रहो तुम। बस तुम्हारा जीजा जिंदा रहे, हम सब मर जाएं क्या? निकल यहां से, निकल भाई यहां से। पापा कर ले जो जी में आए कर ले, तेरे बाप ने भी तेरे जैसी हरकत की थी और फिर मारा गया। भैया छोटा भाई था हमारा, ये भी जाएगा उसके पास, बहुत नाच रहा है। बदतमीजी मत कर वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। ताऊ जी मैंने कब आपसे बदतमीजी की, मैं तो हर काम आपसे ही पूछ के करता था। क्या पूछ कर किया तूने? हमने जो कहा तूने उससे उल्टा ही किया। बड़ों को ऐसे ही इज्जत देते हो? अच्छा ये जो सामने खड़ी है ना, जब से इस घर में आई है पूरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया है इसने, सबकी जान पे बनाई है। मैंने उसी दिन कहा था इसे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, लेकिन तेरी माँ ने सुना क्या? नहीं। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, पूरा गांव इस वक्त तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम चले जाओ। सुनी रुक, ऐसे क्या घूर रहे मुझे? नामो निशान मिटा दूंगा मैं तेरा। अब चुप कर तू, बहुत कर ली तूने अपनी बकवास। तो फिर चाहे कोई पूजा हो, कोई त्योहार हो या कोई शादी हो, हर फंक्शन में सबसे आगे रहता है, मुझसे मुकाबला करेगा? तुर्रम खा समझता है खुद को, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे जा, तू मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है। मैं आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ ताऊ जी, आप बड़े हैं और मैं छोटा, मैं इस दुनिया के बारे में उतना कभी नहीं जान सकता जितना आप जानते हैं। मैं क्या मुकाबला करूंगा, अपने बाप के मरने पर उसकी चिता को आग तक नहीं दे पाया, इसलिए आप लोगों के अंदर हमेशा अपने पिताजी को ढूंढता रहा। आप सबसे बाप का प्यार चाहता रहा कि कोई तो उनकी कमी पूरी कर दे, पर बाप का प्यार देना तो दूर, प्यार से कभी मेरे सर पे हाथ भी नहीं फिराया, बल्कि मेरे घर आना बंद कर दिया। मैंने इनसे पैसों की मदद मांगी तो किसी और का नाम लगा कि मुझसे सूद वसूलते रहे। मैंने फिर भी उस बात का बुरा नहीं माना, पर आज मुझे एहसास हो गया कि आप सब ने हमें कभी रिश्तेदार माना ही नहीं, हमें अनाथ समझा, परायों की तरह बर्ताव किया। मुझे मेरे मामा बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता हूँ उनसे, लेकिन जब अपनी बहन के लिए इनके बेटों का हाथ मांगा तो इन्होंने हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया। आपने भी तो यही किया, हमने आपको बताए बिना कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन आपने हमारे पीठ पीछे हमारा बहुत नुकसान किया, यहाँ तक कि तुलसी की सगाई भी आपने तोड़वाई। रिश्तेदारी नहीं तो इंसानियत के खातिर वो शादी हो जाने देते ना, तो हम लोग इस तरह धर धर भटक नहीं रहे होते। आप हमारा दर्द कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपना बाप नहीं खोया है। मैं इतना छोटा सा था जब बाप मेरा मुझे छोड़ के चला गया, छोटी सी उम्र में हमने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने कसम खाई मैं इनका ख्याल रखूंगा, और आप लोग मुझे वही करने से रोक रहे हैं। बात सिर्फ तुलसी की नहीं है, किसी पर भी ऐसी मुसीबत आती ना तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। रिश्तेदारों का काम क्या सिर्फ दावतें लूटना ही है? मेरे दादा के सिवा किसी ने हमें अपना नहीं समझा। हम उस माँ की औलाद है जिसने खुद को पीछे डाल के अपनी जिंदगी का एक एक पल हम पर निछावर कर दिया, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी इच्छाओं का ख्याल रखें। हम ये नहीं चाहते कि आप हम पे तरस खाएं, पर हमारी तकलीफों को भी मत बढ़ाइए। गैर क्या कम थे जो अपनों का भी दर्द सहने लगे, बस इतना सा कर दीजिए, हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आपसे मुकाबला करके मुझको आखिर क्या मिल जाएगा? आप जैसा चाहते जो चाहते करिए ताऊ जी, हम खुशी खुशी आपके पीछे चलते रहेंगे। आप जितना चाहे बेइज्जती करें धुतकारें, पर हम अपने इस परिवार से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें आपके प्यार की जरूरत है ताऊ जी। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। बेटा तू भी मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूं इस मुश्किल से निपटने, आप लोगों पे एक आंच भी नहीं आने दूंगा। आप में से कोई कुछ मत करिए, जो करना है मैं ही करूंगा। रो मत बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखा है, आज तुम्हें रोता देख दिल दुख रहा है मेरा। इनकी बातों को दिल पे मत ले बेटा। चाचू मैं भी आपके साथ चलूंगा। तूने इतना कहा वही मेरे लिए बहुत है, माँ बाप का ख्याल रखना। भैया भैया, वो भाई को मारने वाला शैतान हमारे मंदिर के पास आकर खड़ा है। क्या बोल रहे हैं बे? हाँ भाई, चलो सब लोग चलो। जीजा की हत्या का बदला लेकर छोड़ेंगे।
इन लोगों ने यहाँ आकर अपने घुटने टेक दिए और अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं और तुम लोगों ने मारे जा रहे बात भी नहीं सुन रहे हो। तुम बोलो। मेरे जीजा जी का गुनाह माफ करने लायक नहीं है, पर मैंने उसे इसलिए बचाया ताकि और खून खराबा ना हो। नाइंसाफी करना मेरा मकसद नहीं है और मैं अपनों को खोने का गम भी जानता हूँ। जो हुआ उसे तो बदल नहीं सकते, फिर भी आप जो कहेंगे हमें मंजूर होगा। खून करने वाला तेरा बहनों ही नहीं है, देख इसने किया और जाकर सरेंडर भी करेगा। पैसों के लिए तेरे बहनों ने सरेंडर किया। तू नहीं जानता मेरा भाई कितना नेक था, ये सब जानते हैं, अभी भी उसका आदर करते हैं। तू तेरे बहनों को बाहर लेकर आ, मैं उसे इसी जगह पर काट डालूंगा। उसे मारने के बाद ही मुझे और मेरी बहन को शांति मिलेगी। जान के बदले जान लेना कहाँ का इंसाफ है, बताओ मुझे। मेरी बेटी पेट से है, क्या आप चाहते हैं कि इसकी तरह मेरी बेटी भी विधवा हो जाए। क्या बोली, मेरा भाई मर गया, और कोई मरे ना मरे मुझे क्या पड़ी है। उसे आपके हवाले करने के अलावा और कुछ भी मांग लीजिए। कुछ भी से तेरा मतलब? ओहो, पैसे के बारे में बात कर रहा है? तू मुझे खरीदना चाहता है? मुझे बस वही चाहिए, जब तक वो नहीं आता कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। सुन बे, तेरे गांव से कोई भी इस गांव में नहीं आएगा, यहीं पर तू बैठा रहेगा मरते दम तक। मैं आपके सामने घुटने के बल हाथ बांध के बैठा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं डर गया हूँ। मैं आप लोगों का दर्द समझता हूँ और इसीलिए उसे बांटने आया हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई शांति से बात नहीं करना चाहता तो मैं बता दूं, मुझसे पंगा लेने वाला कम से कम 6 महीने तक बिस्तर से उठता नहीं है। पहले मरने वाले के घर वालों ने मारा था इसलिए चुप बैठा था, किसी और के लिए चुप नहीं बैठूंगा, पर मैं लड़ने नहीं आया हूं। एक भाई का दिल समझ सकता है कि उसकी बहन किस तकलीफ से गुजर रही है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि इनके सामने इसका गम छोटा है। मैं अपनी माँ को इस हालत में देख चुका हूँ, वो महसूस कर चुका हूँ जो ये बच्चा कर रहा है। एक विधवा औरत के लिए अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जब भी मेरी माँ को मुझ पर बहुत प्यार आता, मुझे अलग अलग भगवान के नाम से बुलाती, पर मेरे लिए तो असली भगवान मेरी माँ ही है, जो हमें छाव देने के लिए धूप की तपेश बर्दाश्त करती रही। इतनी हिम्मत वाली औरत आप सबके सामने घुटनों के बल बैठी है, क्योंकि वो जानती है कि इस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है, वो भी इस दर्द से गुजर चुकी है। ए, तुम देख क्या रहे हो, मारो इसको। अब बस करो, कभी प्यार के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी बदले के नाम पे, ये कत्लेआम कब तक चलेगा। चल मौड़ जा, तो भी तुलसी। मैं जानता हूं कि यह वक्त सही नहीं है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपना के इस बच्चे को अपना नाम देना चाहूंगा। भाई? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आराम से सोच के जवाब दे सकती हो। मेहरबानी आपकी, आपका दिल बहुत बड़ा है, किसी और की गलती के लिए हम आपको सजा क्यों दें? मेरे पति की मौत इसी के पति के हाथों लिखी थी, सब किस्मत का खेल है और इसकी वजह से दुश्मनी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पति और मैंने खुद तुम्हारी बहन को खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, तो अब मैं उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद करूं? मैं गांव वालों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को पूरी इज्जत के साथ यहां से जाने दिया जाए, ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिले। उठ जाइए पाजी, उठ जाइए तुलसी, उठ जाओ। हम्म,
अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना बेटा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब भी तुम्हारा दिल करे मेरे पास आ जाया करना, ठीक है? अपने घर जाओ बेटा। आज तुम्हारे पिताजी को तुम पर बहुत नाज होगा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चाचा जी, चंद्रिका की गोद भराई करनी है, मेरा मतलब तुलसी की गोद भराई करनी है। जीजा जी पेरोल पे बाहर आ रहे हैं, काफी दिनों बाद खुशियां आई हैं, तो सोच रहा था कि थोड़ा सा बड़ा फंक्शन करूं। शुक्रिया। तो चाचा जी, वो जो आदमी उससे थोड़े पैसे कर्जा दिलवा देंगे? आदमियों से क्यों, मैं हूँ ना, मैं ब्याज वक्त पर भर दिया करूंगा। नमस्कार। नमस्ते। हमारे परिवार की बात है बेटा। तुलसी कितनी प्यारी दिख रही है, नजर ना लग जाए। कलेक्टर कब बनोगी? बहुत जल्द चंद्रिका। अब अपनी इस रुकावट के लिए खेदे वाली खांसी का कुछ इलाज तो कराइए। दादा जी, ससुर जी, माहौल तो देखो। दिखाऊं क्या? जेबी नहीं है। क्यों रुला रहे हो मेरे बच्चे को? अच्छा देखा माँ, कर भला तो हो भला।